दोस्त, आज आपको बिजनेस प्लान ढक्कन ओपन करके देखना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, ये आपके लाइफ के बेस्ट डिसीजन हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी अब तक डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत नहीं हुई थी। तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ये दुनिया की नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, हम समझते हैं क्या है बिजनेस प्लान, क्या है बिजनेस, एक बार पलट के देखना कि आपके लाइफ में क्या कोई उम्मीद है कि जो काम आज आप कर रहे हो वही काम करते हुए अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 सालों के अंदर में आप एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग सदियों से काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी पास में एक भी ऐसा रीजन नहीं है कि वो बड़ा पैसा बना सके अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में। यानी कि आज 50,000 महीने की सैलरी है, क्या अगले 2-3 साल, 4 साल में 5 लाख महीने की उम्मीद दिख रही है? क्या कोई होप है क्या? यदि हो दोस्तों, होप आपके पास नहीं तो वही उम्मीद आपको ये बिजनेस प्लान देगा। और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं तो बिलीव मी, आज आपका पूरा परसेप्शन चेंज होने वाला है ऐसा शानदार बिजनेस मॉडल देखिए। क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जब हम आते हैं, आप आते हैं, तो हमारा ये डिमांड होता है कि यार एक सिक्योर कैरियर हो, कभी कंपनी चेंज न करनी पड़े। और कहीं ना कहीं दोस्तों, हम लोग जब किसी बिजनेस में आते हैं तो यही सोच के आते हैं कि हमारे लाइफ की आखिरी कंपनी है, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? कई बार नहीं। तो दोस्त, मैं एक ऐसा बिजनेस मॉडल आपको देने वाला हूं जो आपको लगेगा कि शायद ये आपकी लास्ट कंपनी होगी और आपकी वो तलाश। मुझे बताइए दोस्तों, मेरे नॉलेज में कई ऐसे मेरे गुरु भी हैं, टैलेंटेड लोग हैं जिनको महीने का 25-50 लाख इनकम होनी चाहिए, बट वो कभी कमा नहीं पाया डायरेक्ट सेलिंग से। जिन्होंने मुझे सिखाया वो भी बस अपने जिद, अपने ईगो की वजह से, क्योंकि वो पता नहीं क्यों ढक्कन बंद करके हमेशा रखें। तो दोस्त, आज आपको बिजनेस प्लान ढक्कन ओपन करके देखना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, ये आपके लाइफ के बेस्ट डिसीजन हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी अब तक डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत नहीं हुई थी। तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि ये दुनिया की नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत होने जा रही है। तो हम समझते हैं क्या है बिजनेस प्लान, क्या है बिजनेस। हो सकता है कि आपको सिस्टम पता है, हो सकता है आपको प्लान पता है, लेकिन दोस्त, मैं अपना वो तरीका दिखाने वाला हूं कि हम किस तरीके से बिजनेस को आपको शो करना चाहते हैं, कैसे अपना प्यार दिखाते हैं लोगों को। दोस्त, कहने के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप जब भी किसी कंपनी का हिस्सा बनते हो तो हर व्यक्ति ये बोलता है कि किसी भी कंपनी का हिस्सा बनने के लिए आपको मुख्य 4 पिलर को फोकस करना पड़ेगा। मेरे पुराने गुरु बोलते हैं, अखिलेश प्रमोटर देखो, अखिलेश कंपनी की प्रोफाइल देखो, अगली कंपनी का प्लान देखो, ये सब बातें, फिर प्रोडक्ट देखो। लेकिन दोस्त, ये सारी बातें निराधार साबित हुई जब मैंने प्रैक्टिकली इस इंडस्ट्री में काम किया। तो प्रमोटर अच्छे प्रोफाइल होने के बावजूद हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी भाग चुकी, और दर्जनों ऐसी कंपनी का नाम गिना सकता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में आई और कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई दोस्तों? इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनके प्रमोटर और प्रोफाइल ही अच्छे थे, बाकी चीज अच्छी नहीं थी। दोस्त, मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ होता है डायरेक्ट सेलिंग, वो है एथिक्स। एथिक्स मीन्स, आज यदि एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ और एक जॉब वाला पर्सन जो पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग में आता है, वो दोस्त कैरियर बना ही जल्दी नहीं पाता। क्यों नहीं बना पाता? कि आज बेचारा 6 महीने, साल में एक टीम खड़ा करेगा 1,500 की, और 1 साल बाद कोई तुरम खाएगा, गुरु जी आएंगे, बड़े के लीडर आएंगे, और वो उनके ऊपर डाके घुस जाएंगे डायरेक्ट आईडी लेकर कंपनी से। तो कई बार कंपनियां क्या करती है कि आपका अप्लाई नहीं, आपकी टीम तोड़ के यहां का वहां लगा दिया, और कंप्लेन करने के बाद भी कंपनी सुनवाई नहीं करती। और दोस्त, यहां तक कि कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो एथिक्स का नारा तो देती हैं, लेकिन मेरे दोस्त, एथिक्स का नारा ही सिर्फ देती हैं। क्यों नारा देती हैं? कि जब वहां पे देखा जाता है तो बाद में आए हुए लोगों को ऊपर आईडी तो नहीं देती, लेकिन कंपनी अपनी नई नई फ्रंट लाइन खोल लेती है। मान लो मार्केट का तोप आदमी आए और बोले, भैया मैं तो किसी के नीचे काम नहीं करूंगा, मुझे डायरेक्ट आईडी चाहिए। कंपनी बोलती, कोई बात नहीं, आ जाओ, और थाली में सजा के कंपनी अपनी खुद की नई फ्रंट लाइन खोल के एक नई लेक्चर देती। दोस्त, आप बताना, जो लोग पहले आए उनका क्या गुनाह था? यदि वही टीम उनके नीचे आई होती तो क्या कुछ नए लोग पैसा नहीं बनाते? लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्त। इन सारी प्रैक्टिस को मैं बोलता हूं अनएथिकल प्रैक्टिस। यदि किसी कंपनी में अपलाइन की चलती हो, अपलाइन के कहने पे आईडी ब्लॉक हो जाए, अपलाइन करने पे आपका पेआउट हो जाए, तो दोस्त, ये हो गया अनएथिकल प्रैक्टिस। यदि किसी कंपनी के अंदर में बाद में आए हुए लोगों को ऊपर आईडी दे दी जाए, आईडी का नाम बदलता हो, ट्रांसफर होता हो, तो अनएथिकल प्रैक्टिस। यदि कोई कंपनी ऊपर की ढेर सारी आईडी पहले अपने नाम पर रख रखी हो, यानी वो अपने प्रॉफिट से उनका पेट नहीं भर रहा है, अभी भी आईडी भी कंपनी अपनी चला रही हो, दोस्त, इसको मैं बोलता हूं अनएथिकल प्रैक्टिस। और यदि किसी भी व्यक्ति को, लीडरशिप को देख के कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करती हो, नए नए फ्रंटलाइन खोल के, तो मैं इसको मानता हूं अनएथिकल प्रैक्टिस। बाद में आए हुए व्यक्ति को बाद में ही आना चाहिए, ना कि कंपनी डायरेक्ट आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और यदि दोस्त ये सारी चीजें हो गई तो उस कंपनी में आपका करियर बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल दो, लास्ट कंपनी में लगभग 220 करोड़पति मेरे टीम में थे, जिसमें 15 लोग फ्रेशर थे जिन्होंने कभी जिंदगी में पैसे नहीं बनाए डायरेक्ट सेलिंग से, या उनकी कंपनी ही पहली थी। ऐसा क्यों हो पाया दोस्तों? ध्यान देना, ऐसा सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि ऐसी कंपनी के अंदर में कंपनी ने जब पोजीशन दिया ही नहीं किसी को, बाद वाले आदमी को बाद में ही डाला जाएगा दोस्त, तो ऑटोमेटिक बिजनेस बड़ा होता ही होता है, उन नए लोगों का भी जिनको डायरेक्ट सेलिंग की भाई पहली कंपनी क्यों, राइट? दोस्त, नंबर दो, आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर जाओ, ज्वाइनिंग में पैसे नहीं आते, पैसे तब आएंगे जब टर्नओवर होगा दोस्त। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो सेकंड में मानता हूं, वो है प्रोडक्ट। यदि आपके पास वही नोनी तुलसी स्पायरेला में अभी तक खेल रहे हैं इंडिया में, तो दोस्त, आप बड़ा नहीं कर पाओगे। आज इंडिया से 25 सालों में एक भी ऐसी कंपनी नहीं हुई जो इंडिया से निकल के 10-20 कंट्री में जाके बड़ी बन चुकी है। नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि उनके पास वही नोनी, वही तुलसी, वही एलोवेरा, वही स्पायरेला पर लगे पड़े हैं। उनके पास ना साइंटिस्ट है, ना लैब है, ना रिसर्च है। तो दोस्त, सेकंड पैरामीटर, जब तक आपके पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट ना हो, पेटेंटेड ना हो, ऐसे ना हो कि आपके अलावा कोई और दे ही नहीं सकता, तब तक आपकी रीसेल लगातार नहीं आएगी।
जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट ना हो तब तक कस्टमर बार बार नहीं मांगेगा और तब तक आप किसी भी कंपनी में बड़े नहीं हो पाओगे दोस्त। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सेकंड था यूनिक और अफोर्डेबल और सॉरी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होना, और उसके बाद नेक्स्ट पैरा था दोस्त की अच्छे प्रोडक्ट, मतलब ये नहीं कि अब उसका रेट इतना चला जाए कि कभी जिंदगी में पकड़ ही ना पाऊंगा। तो आपको एक शानदार रेट भी होना चाहिए, एक ऐसा शानदार रेट होना चाहिए कि एक आम आदमी अफोर्ड कर सके उसको। तो दोस्त अच्छे प्लॉट अफोर्डेबल, क्योंकि देखो मर्सिडीज बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि मर्सिडीज कितने लोग परचेज कर पाए आपके और मेरे पर्चे में, क्योंकि अच्छी तो है लेकिन रेट भी बहुत अच्छी है। तो दोस्त यदि शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट यदि अफोर्डेबल प्राइस पे हो तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर बार बार परचेज करेगा। और दोस्त चौथा पार्ट होता है प्लान या पेआउट। कई बार लोग प्लान देके कंपनी ज्वाइन करते हैं दोस्त, बिलीव करो प्लान देके जो कंपनी ज्वाइन करता है सिर्फ प्लान देके वो मरेगा। मरेगा क्यों? क्योंकि प्लान अच्छा नहीं होता, उसी प्लान को कल कॉपी करके चार कंपनी और लेके आ जाएंगी और उस प्लान में से कुछ और अच्छा करके, क्या उसको ज्वाइन कर लोगे? नो। मेरा मानना है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए एथिक्स, इसके बाद देखना चाहिए उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिख गया तो आपको देखना चाहिए ये, इसके बाद देखना चाहिए आपको प्लान या पेआउट। क्योंकि ऐसे आड़े टेढ़े कंडीशन ना हो कि आपको प्रमोशन लेते लेते टॉप रैंक पे जाते जाते 5 साल 10 साल लग जाए। मैं इंडिया में कई ऐसी कंपनी जानता हूं जो विदेश की है, इंडिया की भी है, कि 20-25 साल से भारत में काम कर रहे हो और आज तक टॉप रैंक पे कोई पहुंचा ही नहीं। आज इंडिया की कंपनी बोलती है कि हम 4 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बना चुके दोस्त, 4 करोड़ यदि डिस्ट्रीब्यूटर बन गए उसके बावजूद यदि उस कंपनी में 50 लोग टॉप रैंक पे नहीं है, तो मतलब ऐसे आड़े टेढ़े प्लान में कंडीशन लगा रखे हैं कि लोग टॉप रैंक पे पहुंचते नहीं। और जब तक टॉप रैंक पे आप नहीं पहुंचते तब तक दोस्त किसी भी कंपनी के अंदर में आप बड़ा पेआउट ले सकते हैं, राइट? तो इसलिए पूरी इनकम तो तब आएगी जब टॉप पे जाओगे। तो दोस्त ये 4 पैरामीटर होती है किसी अच्छी कंपनी को आपको देखना होता है मेरे हिसाब से। इसके बाद पांचवा बनता है एक और चीज, और वो होती है दोस्तों उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। बता दूं भारत की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग है जो हमारी अपनी एजुकेशन सिस्टम में A1 Academy, और दोस्त हमारी कोलेबरेशन है, टाई अप है NIIM यूनिवर्सिटी नीलम यूनिवर्सिटी के साथ में। सो हमने इनके साथ में आपको बकायदे सर्टिफिकेशन कोर्स भी लेके आ चुके हैं, यानी आप सर्टिफाइड न्यूट्रिशन का कोर्स करना चाहें तो हमारे माध्यम से कर सकते हैं। जो डिग्री आपको कौन देगी? UGC से मान्यता प्राप्त A1 Academy के प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन कोर्स करेंगे, बकायदे ऑनलाइन टीचर आपको पढ़ाएंगे और साथ में आपको डिग्री देंगे सर्टिफाइड न्यूट्रिशन का। आप किसी परिवार में जाके, मैं IT वाला बंदा हूं, आप मान लो CA हो, कोई वकील है, अब वो किसी घर में जाके बात करे कि वेट मैनेजमेंट में कर सकता हूँ, कोई गठिया पे काम कर सकता है, कोई शुगर मैनेजमेंट पे बात कर सकता है, डायबिटिक पे, यानी आसाना पूछे वकील साहब आप कब से करने लगे? तो आप जवाब दे सकते हो भैया कि सर्टिफाइड न्यूट्रिशन के मैंने कोर्स कर रखा है। और मजे की बात, ये सर्टिफिकेट ये डिग्री पूरे वर्ल्ड में हर जगह लागू होता है जो UGC प्रोवाइड करती है। साथ में ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन, आपको अपनी टीम में ट्रेनिंग की नीड है कंपनी में फोन करो, 1 महीने पहले मीटिंग बुक करा सकते हो, ट्रेनर आएगा, मेल फीमेल दोनों हमारे पास हैं जो आपके आएंगे ट्रेनिंग देंगे बकायदा। नंबर 2, जूम पे आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग चाहिए आपकी अपने टीम के लिए, तो एक समथिंग पोजीशन है, इसके बाद आप कंपनी में फोन करके अपने टीम के लिए स्पेशल मीटिंग रखवा सकते हो, जिसकी वजह से दोस्तों आपको बेनिफिट है कि ट्रेनिंग कंप्लीट कंपनी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दे रही है, इवन यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी दे रही है। और आने वाले समय में जैसा हमें बताया गया कि कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक डिप्लोमा कोर्स लेके आने वाली है इसी A1 Academy के माध्यम से। दोस्तों ये चीज पहली बार भारत में हो रही है, तो आप कहीं कैंप लगाते हो, आप किसी घर में हेल्थ एडवाइजर बनकर जाना चाहते हो, आप डायटिशियन बनना चाहते हो, तो आपको कहीं और नहीं जाना, आपको A1 Academy के प्लेटफॉर्म पे ही सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाएगी। ये दोस्तों एक नया चीज हुआ, खास बात हुआ। क्या है कंपनी का नाम? दोस्तों कंपनी का नाम है एस्टोनिया वन। क्या है एस्टोनिया वन में से खास बात? बता दूं आपको दोस्तों कि आज के डेट में बता दूं इस कंपनी की, तो 6 लाख स्क्वायर फीट के दोस्त अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, हम अपना खुद का सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। मजे की बात, 6 लाख, तो बता दूं आपको कि 3 लाख स्क्वायर फीट का भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास मेरी जानकारी में आज तक नहीं है। नंबर 2, दोस्तों कंप्लीट प्लांट USFDA सर्टिफाइड और ISO स्टैंडर्ड को 100% फॉलो करती है। अब बता दूं, यदि आपको बता दूं जो जीरो वेस्ट डिस्चार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसका मतलब क्या हुआ? हम इतना ज्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं कि हमारे 6 लाख स्क्वायर फीट के प्लांट में एक भी चिमनी नहीं लगी है। मतलब इतने हाईटेक मशीनें हैं कि 1% धुआं स्मोक नहीं निकलता, एक बूंद भी पानी हमारी फैक्ट्री से बाहर नहीं जाते, जो वेस्ट वाटर होते हैं उस सारे वेस्ट वाटर को हमने प्लांट लगा रखा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फिर से उसको ट्रीट करते हैं, क्लीन करते हैं और रीयूज करते हैं बाग में, बगवाड़ी में, बगीचे में, लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट नहाने धोने के अंदर में। इसके बाद भी पानी बच गया तो हम बोरवेल से जमीन के अंदर डाल के प्रकृति को वैसे ही वापस कर देते हैं, मदर नेचर को। दोस्तों इससे दोस्तों बेनिफिट ये हुआ कि हम 1% भी पॉल्यूशन नहीं बनाते, ना को प्रकृति से लेके उसको वेस्ट करते हैं। नाउ दोस्तों 6 लाख स्क्वायर फीट में हमारी यह फैक्ट्री फैली हुई है, सैटेलाइट से ली हुई फोटो है, ये गूगल सैटेलाइट से बता दूं आपको, ये पूरी पूरी 3 फ्लोर की फैक्ट्री है जो फैली हुई है 6 लाख स्क्वायर फीट की। और मजे की बात, जैसे यहाँ लगा है ट्रांसफार्मर, ये लगा हुआ है यहाँ पे बॉयलर एरिया, ये हमारी पार्किंग एरिया है, यदि ये पूरी चीजों को ऐड कर दूं दोस्त तो 6.75 लाख से बड़ी हमारी ऑफिस, 7 लाख स्क्वायर फीट की पूरी ऑफिस है कैंपस की बात करूं तो। और मजे की बात दोस्तों, ये हमारी ऑफिस है पंचकुला के अंदर में, जो चंडीगढ़ से आधे घंटे की दूरी पे है, और अंबाला जंक्शन से या एयरपोर्ट चंडीगढ़ का और पंचकुला का एक ही बेसिकली, वहां से भी जाएंगे तो आपको लगभग जो डिस्टेंस लगेगा लगभग 45 मिनट का, यानी कि अंबाला जंक्शन की बात कर रहा हूं। तो 6 लाख स्क्वायर फीट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दोस्त भारत में कोई कंपनी है नहीं। आज 35 साल से, ध्यान देना, 35 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में है, 35 साल से प्रोडक्ट बनाते। दोस्त बता दो आपको कि
दवाई, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक। सप्लीमेंट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक और इंजेक्शन में टफ है। टफ क्योंकि यदि 1% के ऊपर नीचे हुआ तो दोस्त रिएक्शन करके किसी की जान जा सकती है। इतना था कि हमने शुरुआत किया था इंजेक्शन से, एंटीबायोटिक से, मेडिसिन से। आज एक दवाई आती है मार्केट में थायरॉक्सिन, थायराइड की, सर वो सारा थायरॉक्सिन बनती हमारे यहाँ हमारी फैक्ट्री में। इसके बता दूं आपको कि मार्केट के अंदर में जैसे आज हम सप्लीमेंट से लेके शैम्पू से लेके फेस वॉश लेके हैंड वॉश तक बनाते हैं मेडिसिन से लेकर के, दोस्तों 750 प्रोडक्ट आज हम मैन्युफैक्चर करते हैं, 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंप्लीट यूके यानी लंदन, इवन हमारी जो ओवरसीज ब्रांच है ऑफिस वो लंदन में ही है, जहां से सारी यूरोपियन कंट्री को हम कंट्रोल करते हैं। राइट, इंडिया में ऑफिसर और ओवरसीज ऑफिसर लंदन के अंदर में, और यहां तक कि 450 क्लाइंट्स को आज हम प्रोडक्ट बना के देते हैं, जिनमें माइल ग्लैम, नॉल फार्मा, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, प्रोक्रियोस से, इस तरीके से डॉक्टर मॉर्फिन जैसी मल्टीपल कंपनियां हैं मेडिसिन के फील्ड में। जो दोस्तों डॉक्टर हैं या जो लोग मेडिकल स्टोर चलाते हैं उनमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टोनिया का नाम पहले से ही जानते हैं, बता दूं आपको 35 ईयर। तो एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी है, आपको यहाँ प्रयोग नहीं करने वाली कंपनी, आप पहले से इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया, कई कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे तो होते हैं, लेकिन जैसे 2-4-5 बैच नंबर आए लॉट खराब हो जाता है, क्वालिटी गिर जाती है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी के पास इंडिया में अपनी खुद की R&D नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में तो दोस्त लेबर भी काम कर सकते हैं, लेकिन R&D यानी लैब के अंदर में सिर्फ साइंटिस्ट ही काम करते हैं। तो जो कंपनियों को नोनी तुलसी ओमेगा ही बेचना है वो R&D क्यों रखेगा? साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मतलब फार्मुलेशन, लैब डिजाइन करना, फार्मुलेशन के लिए उनको रखना, वो बैठ के दिन भर उनका काम ही फार्मुलेशन का है। तो एक कंपनी कितना फार्मुलेशन बनवाएगी? जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आज एस्टोनिया के पास 2000+ फार्मुलेशन है, जबकि 750 प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग 750 करते हैं, लेकिन फार्मुलेशन 2000 हमारे पास है। फार्मुलेशन मीन्स वो फार्मुलेशन दुनिया में किसी और कंपनी के पास नहीं मिलेगी, क्योंकि डिजाइन भी हमारे साइंटिस्ट हमारे लैब में कर रखे हैं। इस वजह से बता दोस्तों, लैब के अंदर में जो मशीनें हैं, जैसे कि पार्किंस की, मैक की, हाना की, लैबमैन की, ये दुनिया की बेस्ट मशीनें हैं लैब में, जो US मेड या कोरियन मेड है। हम चाइना से लोकल मशीन भी इंपोर्ट नहीं की है। एक कंपनी अमेरिका की 25-26 साल से, लगभग 70 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया के नंबर 1 बोलते हैं, तो वो लोग बोलते हैं हमारा दुनिया का बेस्ट है, लेकिन दोस्त मशीन तो नहीं बनाते ना, वो लैब थोड़ी बनाते हैं। वो तो जहां की मशीनें उनके पास है लैब में, वही मशीनें हमारे पास दोस्त आज उनसे बेहतर क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मशीनें एडवांस हैं, हमारी फार्मुलेशन 2024 में बनी है, उनकी 2 साल पहले बनी थी। तो वर्ल्ड की बेस्ट मशीनें हमारे पास हैं, तो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, और कभी भी क्वालिटी से आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हमारा खुद का इनहाउस है, ना कि बाहर से है। दोस्तों इसके बाद एक और समस्या, क्या मेरे मुंह से बोलने से कोई चीज अच्छी हो जाएगी, या कुछ सच्चाई में पेपर पे भी है? बता दूं आपको, इसके लिए बस एक ही डेटा काफी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फूड डिपार्टमेंट, दोस्तों बोलते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट का जो फूड डिपार्टमेंट है, दुनिया का सबसे टफेस्ट सर्टिफिकेशन होता है USFDA, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए, किसी भी मेडिसिन कंपनी के लिए वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेशन। इसका अंदाजा भी इससे लगा सकते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर, दोस्तों रिपीट करूंगा, पूरे इंडिया के अंदर में इस समय 9000 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिनमें से 4000 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है नॉर्थ इंडिया में। बता दूं आपको, 4000 जो प्लांट है पूरे नॉर्थ इंडिया में, एनआईमेंट नॉर्थ इंडिया में, उनमें से सिर्फ और सिर्फ इस समय 4 प्लांट ऐसे हैं जो USFDA सर्टिफाइड है, ओनली 4। ध्यान देना, 4 out of 4000 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दोस्त इतना आसान होता सबके पास होना चाहिए, उन 4 में से एक आपके एस्टोनिया है। यदि भारत की पहली नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट USFDA सर्टिफाइड है, 0.1% कमियां भारत में है, दोस्त आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी बात है। क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड का हाईएस्ट सर्टिफिकेशन हमारे पास है। दोस्त वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के सप्लीमेंट के बाद एक अगला कैटेगरी आती है, कॉस्मेटिक या पर्सनल केयर। बता दूं आपको, अगेन फिर से दुनिया में सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन कॉस्मेटिक के लिए, स्किन के लिए मानी जाती है, इकोसर्ट कॉस्मास, जो फ्रांस से मिलता है। इतनी भी कोरियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी भारत में काम कर रही है दोस्त, उनके जो प्रीमियम सप्लीमेंट होते हैं कॉस्मेटिक, वो फ्रांस से ही इंपोर्ट किए जाते हैं, और फ्रांस की सर्टिफिकेशन है इकोसर्ट कॉस्मास। बता दूं आपको, अगेन पूरे भारत में इस समय 4-4500 के आसपास इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो बनाती है कॉस्मेटिक, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ इसमें 65 प्लांट दोस्तों ऐसे हैं जो इको सर्टिफाइड हैं, उनमें से एक प्लांट ये हमारा और आपका है एस्टोनिया नाम से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब भारत की पहली कंपनी ही ये है जो USFDA सर्टिफाइड है सप्लीमेंट के अंदर में, जो इको सर्ट सर्टिफाइड है आपके इसके कॉस्मेटिक के अंदर में, तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं क्वालिटी कहां से गिर सकती है। साथ में WHO सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, ISO के अंदर में 2015, 2005, 2022, 2016 अगेन दोस्तों एक सर्टिफिकेशन अमेरिका की है, जिसको बोलते हैं पेटा सर्टिफिकेशन, अगेन भारतीय किसी कंपनी के पास नहीं है। CE सर्टिफाइड, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड और आयुष और FSI दोस्तों कॉमन है, सबके पास मिलेगा, हमारे पास तो है ही, क्यों मैं मिलेंगे। तो दोस्तों बता दूं कि सिर्फ मुंह से बोलने से क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ये सर्टिफिकेशन भारत में किसी कंपनी के पास नहीं है, और जब नहीं है तो सब बातें खत्म कर दूं। तो ये हो गई हमारी क्वालिटी कंट्रोल की बात करूं तो। अब एक और समस्या दोस्तों, जब किसी कंपनी में छोटी मोटी कंपनी आप काम शुरू करते हैं, और जैसी कंपनी में टर्नओवर आपका बड़ा होना होता है, बिजनेस बड़ा होता है, जैसे एग्जांपल दूं, लास्ट कंपनी में लगभग मेरी 42 लाख की इनकम दोस्तों पहुंच गई थी 2 साल में, और जब जिस महीने में 42 लाख का चेक पहुंचा था, बिलीव मी उस महीने का ऑर्डर कंपनी 6-6 महीने तक डिलीवर नहीं कर पाई।
यानी प्रोडक्ट शॉर्ट हो गए, कंपनी वही सामान शॉर्ट हो जाती जिसका डिमांड ज्यादा था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल ही नहीं थी। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी आज हमारे पास है, बता दूं आपको, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 4 मिलियन, 1 मिलियन मतलब दोस्तों होता है 10 लाख, यानी आज 40 लाख बॉटल हम अपनी फैक्ट्री में पैक करके दे रहे हैं, है ना। बॉटल मीन्स ऐसी कंपनियां जिनके अंदर, जैसे एग्जाम्पल ले लो शैम्पू हो गई, हैंड वॉश हो गई, ये बॉटल्स में पैक करते हैं जो प्रेशर देकर पुस पुस निकालते हैं, ऐसी बॉटल्स बात रहा हूँ। 40 लाख बॉटल आज हर महीने हम प्रोडक्शन दे रहे हैं। आज हमारे पास में 60 लाख पाउच हम बना रहे हैं महीने का। पाउच मीन्स शैम्पू हो गई, सैनिटाइजर हो गई, प्रोटीन पाउडर हो गया पाउच के अंदर में, प्रोबायोटिक पाउडर्स हो गए हमारे पाउच के अंदर में, ऐसी चीजों की बात कर रहा हूँ। आज 7 लाख पाउच हम महीने का बना रहे हैं, 10 लाख परफ्यूम बना रहे हैं, 1 करोड़ ट्यूब्स, ट्यूब मीन्स जैसे टूथपेस्ट हो गया ट्यूब में, फेस वॉश भी डाला जाता है ट्यूब के अंदर में, तो ऐसी प्रकार के ट्यूब हम 1 करोड़ महीने प्रोडक्शन कर रहे हैं, 30 लाख महीने का साबुन, आज ये सारी फैक्ट्री हमारे पास है। 15 लाख पाउडर्स के केन, 15 लाख एरोसेल के हमारे जो केन्स होते हैं, आज दोस्तों 20 करोड़ टैबलेट हम बनाते हैं, आज अभी हम बनाते हैं 5 लाख यूनिक फिल के प्रोडक्ट बनाते हैं, और साथ में 1 करोड़ सॉफ्ट जेल। सॉफ्ट जेल मीन्स जैसे पुदीन हरा हो गई, जैसे ओमेगा हो गया, जैसे फ्लैक्सीड ऑयल हो गई, ये सारी चीजें जो लिक्विड में फिलिंग होती है उसकी 1 करोड़ महीने की प्रोडक्शन हमारी क्षमता है, और साथ में 2 करोड़ कैप्सूल हर महीने हम बना रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है पहले से। यानी कि आप कभी जिंदगी में, मुझे याद है कि अभी हमारा 3 मार्च को लॉन्चिंग हुई थी, जो कंपनी के ओनर उनसे एक सवाल पूछा गया कि सर क्या कभी सप्लाई शॉर्ट तो नहीं होगी, और सोशल मीडिया पे भी है, तो उनका दोस्तों जवाब था कि आप 5,000 करोड़ महीने का बेच सकते हैं, साल भर का बेच सकते हैं, हम बना देंगे। यानी भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने के लिए, ध्यान देना, भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए आपको जितना प्रोडक्शन बेचना होगा एक साल में, उतना हम 1 महीने बना के आपको दे सकते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री पहले से है। तो दो 6 लाख स्क्वायर फीट में गुल्ली डंडा थोड़ी खेल रहा हूँ। मुझे याद है, आप लोग चाहेंगे तो लास्ट में मैं एक वीडियो दिखा दूंगा आपको, कि जब मैं इस कंपनी में गया था मीटिंग के अंदर में, तो मुझे याद है कि जब फैक्ट्री के अंदर में, तो रात को लगभग 9:30 बजे पहुंचा, और 1 बजे तक मैंने फैक्ट्री घूमी, ढेर सारी वीडियो रिकॉर्ड की, और फैक्ट्री 3.5 घंटे के अंदर में भी पूरी फैक्ट्री में देख नहीं पाया, राइट। तो इस तरीके से बता दूं आपको दोस्तों कि इतनी बड़ी फैसिलिटी ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है, तो आप अनुमान लगा सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो कितनी बड़ा काम हम कर सकते हैं अगेन इस कंपनी के माध्यम से, राइट। तो दोस्तों यहां पे एक बार और हम समझाने का मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को, कि इसके साथ इस कंपनी की एक और नई डिवीजन हम स्टार्ट करें, डर्मा आर्ट। डर्मा आर्ट की दोस्तों बात किया जाए तो प्रीमियम केयर का कॉस्मेटिक का सप्लीमेंट है दोस्तों। ये काम कैसे करता है बता दूं आपको, ये काम कैसे करता है, क्योंकि अगेन हमने इसमें पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल कर रखा है। कैसे? नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारे सारे के सारे कॉस्मेटिक रेंज हम लेके आ रहे हैं, जो कि मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे इसका रिएक्शन बहुत तेज होता है दोस्तों। डर्मा आर्ट में जितने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कंप्लीट वेगन है, कंप्लीट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, कंप्लीट आपका केमिकल फ्री है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, और साथ के साथ सारे के सारे इक्वा बेस्ड हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट सीरीज नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वेगन है, ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, इक्वा बेस्ड है, और सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात दोस्त, ये सारी की सारी चीजें डर्माटोलॉजी टेस्टेड भी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ समझ में आना चाहिए दोस्त की सब कुछ, जितनी चीजें हमने उठा के लाया इस बिजनेस के अंदर में, हर वो चीज दिया कॉस्मेटिक के अंदर, जो अब तक कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों तो नहीं था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से देखने का प्रयास करें, तो मैं इसमें एक बार रिवाइज करूंगा, रिपीट करूंगा, रिपीट इसलिए करूंगा कि आपके जहन से बात जानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जहन से बात गई तो समस्या दोस्तों आनी शुरू हो जाती है। इस चीज को आप लोग जानने का प्रयास करना, सुनने का प्रयास करना फिर से, कि किस तरीके से हमने इसमें काम किया हुआ है। मैंने जितनी चीजें बताई आपको हम क्या देने जा रहे हैं, इनमें से सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट का बात आप ध्यान रखना कि हम भारत की पहली ऐसी कंपनी है, तो भारत की हम पहली ऐसी कंपनी है जो कंप्लीट 6 लाख स्क्वायर फीट की अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके काम कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे ध्यान देंगे, तो जैसा मैं आपको बताया यहाँ पे कि कंप्लीट कंप्लीट यदि बात करूँ तो हम लोग कंप्लीट सर्टिफाइड हैं। आप देखेंगे वेगन सर्टिफाइड, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, केमिकल फ्री सर्टिफाइड, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, नैनो मिल्सन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसके रिकॉर्डिंग अंदर इन में। प्रोग्रेस। इसके बाद दोस्तों यदि बात किया जाए तो आज इस कंपनी में जो सबसे खास बात मुझे लगता है वो है कि 6 लाख स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपनी खुद की है। हम इकलौती कंपनी भारत की डायरेक्ट सेलिंग की है जो इको सर्ट सर्टिफाइड है, इको सर्ट कॉस्मेट सर्टिफाइड, जो जो दुनिया में सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन मानी जाती है कॉस्मेटिक के लिए। उसके अनुसार रिकॉर्डिंग देखो हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इको सर्ट सर्टिफाइड है, साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ रिकॉर्डिंग सर्टिफाइड है, स्टॉप्ड। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट, हम सर्टिफाइड आप देखेंगे यहाँ पे आपके पेटा दोस्तों, पेटा के सर्टिफिकेशन भी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग किसी के पास नहीं है। इसके बाद USFDA सर्टिफाइड हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये दोस्तों 6 चीजें मिलकर इस कंपनी को यूनिक बनाती हैं, जो अब तक भारत के अंदर देखी नहीं गई, जो कहीं कहीं आपको विश्वास दिलाएगी कि क्वालिटी कंट्रोल से लेके प्रोडक्शन कंट्रोल से लेके अवेलेबिलिटी से लेके ये सब कुछ हम सक्षम है करने के। ये बोल सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी शुरुआत ये है आपके सामने। यार दोस्तों आज हम 60 प्रोडक्ट लेके काम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बता दूं आपको 60 इसलिए कि 750 से ज्यादा बनाते हैं, लेकिन 60 से शुरुआत क्यों कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम लेके आएंगे। हाँ, लेकिन कुछ हम यूनिक प्रोडक्ट दोस्तों लेके आ रहे हैं जो अब तक भारत में नहीं थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप गूगल पे जाके बस एक नाम डालना,
नाम क्या डालना दोस्तों गूगल पे, डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर। दोस्तों नजर आएगा 54 साल के व्यक्ति हैं, सिडनी के हैं, और इनके बारे में पढ़ेंगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े हुए बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, और साथ में इनके बारे में बहुत कुछ हर अखबार हर न्यूज़पेपर में आपको इनके बारे में मिलेगा। जब दोस्तों ये 45 ईयर के ओल्ड थे, उनकी उम्र हुआ करती थी, तब डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर कुछ इस तरीके के नजर आते थे, लेकिन जब दोस्तों ये होगा 54 साल के, तो उनकी उम्र कुछ ऐसी नजर आने लगी। दोस्तों ये दावा करते हैं कि मैंने एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन को डेवलप किया है, जिसके थ्रू कोई भी आदमी 15 साल अपने उम्र को घटा सकता है, रिवर्स कर सकता है। और जब इनके ऑर्गन को टेस्ट किया गया था दोस्तों, ये 27 साल के लड़कों जैसे पाया गया था, इसी इस एज के अंदर जाके। दोस्तों इन्होंने इनका दावा, आप एक बार इसे ऐसे लेना इस तरीके से, आप नाम सर्च करना, मान लो नेहा कक्कड़ आफ्टर बिफोर, बस एक मिनट के लिए देखना दोस्त कि नेहा कक्कड़ जब इंडस्ट्री में आई थी तो कैसी थी और आज वो कैसी है। दोस्तों जमीन आसमान का अंतर है भाई, ऐसा क्या खा लिया इन्होंने। आप सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर्च कर देना आफ्टर बिफोर, तो जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री में आए थे तो कैसे थे और आज कैसे हैं, क्या ऐसा खा लिया भाई साहब, कौन सा था ट्रीटमेंट इन्होंने। तो आप बस एक नाम डालाना, मलाइका अरोरा, 50 साल की एज भैया, 50 साल की एज, 50 साल की एज में इधर एक नाम सर्च कर लो सिर्फ मलाइका अरोरा, तो आप बिलीव करो कि आपको ये महसूस होगा कि भैया ऐसा क्या खाती है कि इनकी एज पता ही नहीं चलती, 50 साल की एज कौन बोलेगा इनको। मैं दोस्तों इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि आज ये लोग हैं जिस एज के अंदर में कोई भी इनकी एज को गेस करके नहीं बोल सकता कि 50 ईयर ओल्ड होंगी। क्यों? क्योंकि हमसे अच्छी तो हरी सब्जियां खा नहीं सकते यार, क्योंकि हम लोग पैदा कर सकते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, इनको तो बासी मिलेगी फिर भी। तो दोस्त यही चीजें, ऐसी चीजें होती है दुनिया में, है एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर्मुलेशन, जो आज हमारे आपके हाथ में नहीं, रिच में नहीं है। ये आमिर खान या सलमान खान या अनिल कपूर 65 साल की एज में कहां से क्या बनकर घूम रहे हैं, या 40 साल में हमारे यहाँ पर लोग झूल जाते हैं लड़के। तो दोस्त यहां समझने का प्रयास करना कि ये एंटी एजिंग फार्मूला जो डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने जो बनाया, जो ट्रेडिशनल मार्केट में एनएमएन नाम से और कई नाम से सेल होते हैं, दोस्त पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में हम लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट करके यूएसए से और ऐसी कंट्रीज से, जो यंग वन नाम से हम इसी में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं दोस्तों, पहली बार एंटी एजिंग का फॉर्मुलेशन है, नहीं किसी के पास में कंपटीशन किस बात की। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जो दुनिया का बेस्ट ओमेगा बोलते हैं, सॉरी ओमेगा ऐसी कोई कंपनी नहीं दोस्त जहां पे ओमेगा नहीं पाई जाती, ध्यान देना, ओमेगा ऑलमोस्ट हर कंपनी आज ओमेगा दे रही है, लेकिन यहां पे एक बार बोलूंगा ओमेगा में कौन सा है, फ्लेक्सीडॉल आप देखेंगे तो फ्लेक्सीडॉल आसानी से दोस्तों मिल जाता है, लेकिन फ्लेक्सीडॉल के बाद में जब अगली क्वालिटी की हम बात करें, तो दोस्त अगली क्वालिटी में हम बात करेंगे तो आता है फिश ऑयल। अब दोनों का अंतर देखते हैं, फ्लेक्सीडॉल में पाई जाती है ALA, अल्फा लाइनोलेनिक एसिड, जो आपकी बॉडी में जाने के बाद आपका लीवर कन्वर्ट करता है EPA और DHA में। जब ALA मिलती है जो फ्लेक्सीडॉल से, तो EPA काम करता है आपके हार्ट के ऊपर में, दोस्त DHA काम करती है आपके ब्रेन के ऊपर में, राइट। लेकिन जब नेक्स्ट लेवल पर जाए तो फिश ऑयल, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां फिश ऑयल बेचती हैं जो सैल्मन सार्डिन से निकाल के, अब उनमें पहले से EPA और DHA होता है, तो कभी भी कोई फिश ऑयल उठाकर देखेंगे तो उस पर लिखा होता है EPA 3 mg, DHA 4 mg, तो 4 mg ब्रेन पे काम करेगा, 3 mg कहां काम करेगा, जो EPA होती है आपके हार्ट पे और 4 mg DHA तो ब्रेन पे। तो ये थोड़ा सा लीवर प्रेशर नहीं गया, आपने फिश ऑयल लिया सीधे आपके बॉडी पे काम करना स्टार्ट, यानी कि उसमें लीवर प्रेशर नहीं जाता। नाउ उससे एक लेवल और ऊपर जाते हैं दोस्त, तो दुनिया का बेस्ट ओमेगा माना जाता है क्रिल ओमेगा, क्रिल ओमेगा बता दूं आपको, क्यों? उसमें EPA DHA तो मिलती है, साथ में एक और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, जो किसी भी प्रकार के दुनिया के ओमेगा में नहीं पाई जाती, और साथ में ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ओमेगा की मानी जाती है, यानी कि आप यदि फिश ऑयल मान लो 4 डब्बा यूज कर लो, इसको एक बॉक्स यूज कर लो, इक्विवेलेंट माना जाता है, इतनी पावरफुल होती है ये एंटीऑक्सीडेंट क्षमता। और इसको ओमेगा की बात करूं तो इसका एक डेमो भी होता है कि फिश ऑयल को, फ्लेक्सीड ऑयल को पानी में डाल दो, घुल जाएगा, फिर तैरता रहेगा वाटर में, ऊपर तैरेगा दोनों, लेकिन फ्लेक्सी यदि आप मान लो डालते हो क्रिल ऑयल को, तो क्रिल आराम से पानी में घुल जाता है। अब इंडिया ने कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों 1200 रुपए की 30 सॉफ्ट जेल बेचती है, कहां से इंपोर्ट करते हैं, कोई बोलता है चाइना, कोई बोलता है कहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन 30 सॉफ्ट जेल बेचती है 1200 रुपए की, इसमें डीपी प्राइस। एक बैंगलोर बेस्ड दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो मंगवाती है नॉर्वे से, दुनिया की बेस्ट कंट्री नॉर्वे मानी जाती है स्पेशली फॉर क्रिल, तो नॉर्वे से इंपोर्ट करती है और 1800 में 30 सॉफ्ट जेल इसमें बेच रही है। और हमने दोस्तों क्या किया कि नॉर्वे से मंगवाया, लेकिन नॉर्वे में भी सबसे बड़ी कंपनी हमने खोज निकाली कि दुनिया की बेस्ट कंपनी जो क्रिल प्रोड्यूस करती है कौन सी है, जिसको बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्राप्त हैं। तो दोस्त हमने पाया कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी में से एक है वो कौन सी पता है, वो है आपकी सुपरबा, आप कभी गूगल करना तो गूगल पे आपको मिलेगी। अब हमने क्या किया दोस्तों कि सुपरबा का क्रिल ऑयल लिया, ध्यान देना, सुपरबा का क्रिल ऑयल लिया और इंडिया में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, सुपरबा से इंपोर्ट किया जो नॉर्वे की कंपनी है। इसी खास बात यह है, आप कभी यूट्यूब पर डाल के बस इतना डाल देना सुपरबा क्रिल ऑयल, तो दोस्त आप पाओगे कि ये फैक्ट्री अकेले ये कंपनी ऐसी काम करती है कि ये सीधे अपनी शिप लेके जाती है समुद्र के बीच में, राइट, ध्यान देना पूरी शिप, और उस शिप यानी जहाज के ऊपर में ही फैक्ट्री बना के लेके चलते हैं, राइट। अब उस जहाज के ऊपर फैक्ट्री बन गई, अब वो लोग शिप लेके जाते हैं समुद्र के अंदर में, और वहीं पे पकड़ के आधे घंटे में फैक्ट्री लेके बनाना, लेबलिंग तक उसी फैक्ट्री जहाज पे ही करके खाली कर देते हैं, इतनी हाइजीन मेंटेन करते हैं समुद्र के इन हिस्सों में जहां पे बकायदे बर्फ पड़ा होता है, और आप बता दो इस बर्फ के बीच में लेके जाते हैं वो लोग और इसको काम कराते हैं। बर्फ कैसे, ऊपर पूरी वहां पे स्नो है और अंदर उसके अंदर पाई जाती है वो जीव जिसको बोलते हैं क्रिल, जैसे मैं आपको दिखाऊं। मैं ये बातें बता क्यों बता दूं आपको कि सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया वहां से, यानी कि नॉर्वे से, वो भी सुपरबा का क्रिल ऑयल, और दोस्तों उसको इंपोर्ट करने के बाद, बता दूं उसको इंपोर्ट करने के बाद में, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो थोड़ा सा,
उसको इंपोर्ट करने के बाद में उसको री हमने फॉर्मुलेट किया। री सब फॉर्मुलेट कैसे किया, आप सुपरबा के लॉल डालेंगे वीडियो आ जाएगी कैसे कैसे बनता है ये। ये देखो तो ये कर रहे हैं, सिप लेके सीधे समुद्र में जाते हैं, समुद्र के ऐसे हिस्से में जहां पे जीव पाई जाती हैं, बकायदे पानी में वो जाल डालते हैं, उससे फंसता है, इसके बाद में इसी के माध्यम से ये ऊपर जाके सिप के अंदर चली जाती है, जैसे दिखाया जा रहा है वीडियो में देखेंगे आप तो ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद बता दूं आपको, कंप्लीटली यही फैक्ट्री में बन के पैक होकर खाली हो जाता है। हमने क्या किया, सुपरबा का दोस्तों क्रीन ऑयल तो लिया, लेकिन साथ में इसमें ग्लूटाथियॉन को ऐड किया, और साथ ग्लूटाथियॉन को ऐड करने के बाद विटामिन ई को ऐड किया, और दोनों को मिक्स करके इसके बाद हमने अपनी पैकेजिंग की। यानी ये बोल सकते हैं दुनिया का बेस्ट ओमेगा हमने लिया, उसको फिर से ग्लूटाथियॉन डाला जो कि एंटी एजिंग के लिए, कलर को फेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, झुर्रियों के लिए एंटी एजिंग में मतलब इस्तेमाल होता है, और उसके बाद विटामिन ई को ऐड करने के बाद हमने बनाया ऐसा ऐसा ओमेगा जो अब तक वर्ल्ड वाइड किसी के पास नहीं है। और ये फॉर्मुलेशन हम क्यों कर पाए, क्योंकि यहां से इंपोर्ट करने के बाद हमने अपनी फॉर्मुलेशन को और ऐड किया और पावरफुल बनाया। तो जब किसी के पास मिलेगा ही नहीं वो ओमेगा, तो कंपटीशन किस बात है कि रेट डीपी प्राइस दोस्तों 1500 रुपए की 60 सॉफ्ट जेल, जहां एक इंडिया कंपनी 30 गोली देती है, 30 सॉफ्ट जेल देती है 1200 का, एक इंडिया कंपनी देती है आपका 1800 का 30 सॉफ्ट जेल, वहां हम देते हैं सिर्फ 1500 में 60 सॉफ्ट जेल। तो ना तो रेट का कंपटीशन और ना ही क्वालिटी का कंपटीशन, यानी दोस्त दोनों बातों पर यदि मैं लेके जाऊं आपको तो दोनों जगहों पर आपकी कंपटीशन है ही नहीं। तो 60 करोड़ दोस्तों हम लेके आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में जो टेक्नोलॉजी हमारी पेटेंटेड है, राइट, अब तक किसी के पास नहीं। जैसे को बोलते हैं हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, तो है क्या है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स बता दूं आपको, इसमें 5 कोर चीजों को मिला के हमने कोई सप्लीमेंट तैयार किया। जैसे जल्दी होता क्या है कि आप किसी कंपनी के हिस्सा बनते हो और आप प्रोडक्ट लेके जाते हो कि मेरा ये फ्लेक्सीड ऑयल है, तो एक कंपनी नहीं आती है बोलती है आपका 6 mg, मेरा तो 7 mg, उसी रेट में लो भैया हो गई कंपटीशन शुरू। एक बोलता मेरा नोनी है, बोलता मेरा नोनी आपसे सस्ता आपसे ज्यादा पावरफुल, बोलता मेरे बेरी में मिली है 15 बेरी, तो एक बोलता मेरे मिला 25 बेरी, आ जाओ कम लो कर लो कंपटीशन, एक बोलता मेरी प्रोडक्ट वैल्यू 1 लाख, बोलता मेरा 1,10,000। तो भैया आप जिंदगी भर कंपटीशन करोगे यदि आपके पास यूनिक प्रोडक्ट नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि 5 कोर चीजों को दोस्तों मिला के हमने कोई सप्लीमेंट तैयार किया जो दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो कंपटीशन किस बात की। क्या थी वो 5 कोर चीज बता दूं आपको जानकारी के लिए। हमने दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर मिलाया क्या, आपको बनाया प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्यों, हमारा मानना है कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई व्यक्ति हो, किसी किसी भी आदमी को यदि आपको सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का पेट सुरक्षित रखो। और दोस्तों पेट के अंदर आपके इंटेस्टाइन में पाई जाती है प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं गुड बैक्टीरिया, जो इंटेस्टाइन में मिलती है बेसिकली, और इसका काम होता है आपके शरीर से गंदगी को, वेस्ट को खाना, डाइजेशन को दुरुस्त रखना, और साथ में आपको विटामिन B12 प्रोड्यूस करती है, छोड़ने का काम यही करती है आपकी बॉडी में। इसके अलावा आपकी वॉल्स पे जितनी गंदगी चिपकी होती है, कौन सी वॉल्स पे गंदगी चिपकी, जो आपके इंटेस्टाइन पे लगभग 5 किलो 4 किलो वेस्ट तो सबकी बॉडी में चिपका होता है, उन गंदगी को खा के विटामिन B12 प्रोड्यूस करने का काम इनका होता है। अब यदि किसी के शरीर में इसकी कमी है तो दोस्त आपकी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आएगी सबसे पहली समस्या। दूसरी समस्या बता दूं आपको, कॉन्स्टिपेशन शिकायत करने के बाद में आपको समस्या आनी शुरू हो जाएगी, गैस बनने की, खट्टे डकार आने की, आपका डाइजेशन होगा। इवन बता दूं आप लोगों को, यदि स्मेल आएगी पसीने से बहुत गंदी बदबू आएगी, आपका यदि सांसों की स्मेल बहुत गंदी आएगी, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन क्लीन नहीं है, पूरी हड्डियों में गंदगी जमी है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज्यादा है। इसको डिटॉक्सिफाई करने का दोस्तों एक ही तरीका होता है, वो तरीका होता है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। यदि आपके शरीर में प्रोबायोटिक प्रॉपर मात्रा में दोस्तों आ गया ना, तो आपके बड़े आसानी से ये आपको सुरक्षित रख सकती है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, फिर से मैंने आपको बताया कि हमने बेस क्या बनाया दोस्तों, हमने बेस बनाया था प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को प्रॉपर तरीके से। तो हमने कहा कि हर प्रोडक्ट के अंदर जो भी हम सप्लीमेंट तैयार करेंगे, वो चाहे लंग का हो, लीवर का हो, किडनी का हो, हार्ट का हो, हर सप्लीमेंट के अंदर में हमने क्या किया कि मिनिमम 50 लाख प्रोबायोटिक स्पोर्ट्स को तो सब में डाल रखा है। यानी हमारा बेस प्रोडक्ट दोस्तों क्या है, प्रोबायोटिक्स। जैसे कई कंपनी का बेस क्या होता है, एलोवेरा, किसी का गैनोडर्मा, किसी का मल्टीविटामिन, तो हर कंपनी का अपना अलग अलग बेस होता है दोस्त। तो हमारा बेस क्या है, प्रोबायोटिक। हमारा मानना है कि यदि कोई भी कंपनी, कोई व्यक्ति यदि प्रॉपर तरीके से बॉडी को सेफ रख सके, यदि प्रॉपर तरीके से बॉडी को सुरक्षित रख सके, तो सबसे पहले किसी भी इंसान के आपको डाइजेशन पे ही दोस्तों काम करना पड़ेगा। और डाइजेशन पे काम करने का इकलौता तरीका यह है कि उसकी बॉडी में प्रोबायोटिक का मात्रा सुचारू रूप से किया जाए। नाउ दोस्तों प्रोबायोटिक के बाद जो अगली चीज आती है आपके शरीर में वो आती है यहाँ पे, यस। तो प्रोबायोटिक के बाद जो सबसे अगली इंपॉर्टेंट चीज आपके शरीर में जानी जाती है, वो जानी जाती है पता आपको क्या, वो है एंटीऑक्सीडेंट। क्योंकि किसी भी शरीर को बूढ़ा होने में, किसी शरीर को इम्यूनिटी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है एंटीऑक्सीडेंट। नाउ हमने दोस्तों यहां भी एक कदम आगे जाके काम किया, हमने बोला कि हर सप्लीमेंट के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट जरूर रहेगा, जिससे किसी को सेलुलर लेवल पे प्रोटेक्शन मिल सके। नाउ थर्ड हमने यूज किया न्यूट्राफुटिकल, यानी कि सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं। दोस्तों हर इंसान के शरीर में डेली विटामिन मिनरल की नीड होती है, लेकिन दोस्तों कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो बॉडी स्टोर करती है, जैसे विटामिन जो कि फैट सोलुबल बोलते हैं, जैसे एडेक की बात करूं, जैसे विटामिन डी हो गई, ए हो गई, आप इस शरीर को स्टोर कर लेती है। आप एक बार धूप ले लो एक हफ्ते में, तो आप एक हफ्ते धूप में ना जाओ, विटामिन डी आपकी बॉडी में स्टोर रहेगी। लेकिन दोस्तों विटामिन बी ग्रुप ऐसे विटामिन जो वाटर सेलेबल होते हैं, जो कि डेली यूरिन से या पसीने से निकल के बाहर हो जाते हैं, आप इस शरीर को डेली लेना पड़ेगा, सब्जियों से या फ्रूट से मिलते हैं। अब डेली सब्जी हरी कौन खाता है, डेली फ्रूट कितने कितने लोग खाते हैं आप जानते हैं।
तो ये विटामिन हमेशा आपके शरीर में दोस्तों कमी रहते हैं, और कमियों की वजह से दोस्तों होता क्या है कि उम्र के पहले दाढ़ी पकना, बाल पकना, बूढ़े होना, झुर्री आना, स्टेमिना कमजोर होना, ये सारी चीजें समस्या शुरू हो जाती है यदि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो, या किसी रोग का हो जाना। तो हमने क्या किया, हर सप्लीमेंट के अंदर प्रोबायोटिक एंटीऑक्सिडेंट के साथ में क्या ऐड कर दिया, उन विटामिन को जो आपके शरीर से डेली फ्लश हो जाती है, जिससे आप कुछ भी खाओ, लीवर का, लंग का, किडनी का, हार्ट का, प्रोटीन पाउडर भी खाओ, तो उसमें विटामिन जरूर मिलना चाहिए जो आपके शरीर को डेली नीड होती है। दोस्तों चौथा यूज किया आयुर्वेदा को। आयुर्वेदा क्यों, आपके शरीर में कुछ हो गया तो उसको क्योर करने का काम आयुर्वेदा करेगी। इसलिए बता दो आपको आयुर्वेदा कैसे, जैसे एग्जाम्पल दू, हमने ब्रेन के लिए सप्लीमेंट तैयार किया ब्रेन वन, तो उसके अंदर में आप देखेंगे तो आपको जिनको बाइलोबा ऐड किया जो न्यूट्रास्यूटिकल में आती है, और एलआरजेआइन ऐड किया जो न्यूट्रास्यूटिकल में आती है, तो हमने उसके अंदर में अश्वगंधा यूज किया जो आयुर्वेदा में आती है, हमने ब्राह्मी को भी इस्तेमाल किया जो आयुर्वेदा में आती है। तो हमने क्या किया, चारों प्रोडक्ट को कंबाइन किया, चारों चीजों को, यानी कि डाइजेशन को, एंटीऑक्सीडेंट को, एंड प्रोबायोटिक को, एंटीऑक्सीडेंट को, न्यूट्रास्यूटिकल को, और आयुर्वेदा को, चारों को मिला के मर्ज किया। और इसके साथ हमने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को दोस्तों यूज किया, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्री जेनोमिक्स। दोस्तों ये पेटेंटेड है, रिसर्च है, क्लिनिकल रिपोर्ट से लेकर एविडेंस लेकर सब कुछ प्रस्तुत है, सब कुछ मिल जाएगा आपको गूगल के ऊपर में। ये पेटेंटेड दोस्तों टेक्नोलॉजी है जो क्लेम करती है कि आपके शरीर में हम डीएनए के लेवल पे जाके हीलिंग करेंगे या रिपेयरिंग का काम करेंगे। अच्छा दोस्तों ये पांचों कोर मिला के हम बनाते हैं अपना कोई भी सप्लीमेंट, और भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी नहीं है जो डीएनए के लेवल पे हीलिंग का काम करती हो। लोग अभी इंडिया में सेलुलर लेवल पे भी बात नहीं करते, इंटरनेशनल वाले से बात करते हैं सेलुलर की, तो हम इंडियन कंपनी होकर सेलुलर नहीं, डीएनए के लेवल पे बात कर रहे हैं और बना के दे रहे हैं। तो जब ये पांचों कोर मिलाने वाली बनाने वाली दुनिया की पहली कंपनी हम है, तो हमने निरंजन जब इसका नाम रखा हर्बो, यानी आयुर्वेदा हर्बल, और न्यूट्रीजेनिक्स यानी जो जेनोन लेवल पे, जो जेनोन यानी जो डीएनए लेवल पे हीलिंग करती है, उसके रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट दोस्तों। तो ये हमारे प्रोडक्ट की पांच कोर रही, जो आपको दुनिया में कहीं मैच नहीं करेगा तो कंपटीशन खत्म। नाउ एक अच्छे प्रोडक्ट की दोस्तों पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो आपके सामने वो पैकेजिंग है जो हम आपको सामने दे चुके हैं, जो आज माल मार्केट में जा चुका है। साथ में दोस्तों क्या ये कंपनी सिस्टम ड्रिवेन है कि लालाजी की है, लालाजी मीन्स दोस्त, ऐसी कंपनी जहां आप लाइन बोल दे कंपनी के मालिक को तो कंपनी बिना नोटिस भेजे आईडी ब्लॉक कर दे। और इंडिया में 99.9% दोस्त कंपनी लालाजी की है, कहने के लिए हर कंपनी वाले बोलते हैं हमारी कंपनी सिस्टम ड्रिवेन है। नहीं दोस्त, यदि आपकी कंपनी में आपके कहने पे कंपनी आईडी ब्लॉक कर दे, पे आउट होल्ड कर दे किसी का, तो ये कंपनी सिस्टम ड्रिवेन हो ही नहीं सकती, ये लालाजी की कंपनी हो गई। और लालाजी की कंपनी में आपका करियर बड़ा नहीं हो सकता, दो बता दूंगा आपको। हमारे यहाँ पे कंप्लीट आरएनडी डिपार्टमेंट अलग है, आईटी केवाईसी अलग है, ब्रांडिंग अलग है, लॉजिस्टिक अलग है, सीआरएम फाइनेंस अलग है, यानी एक एक डिपार्टमेंट अलग अलग कंपनी बना रखी है। ये नहीं कि कंपनी का मालिक ही आईडी ब्लॉक करेगा, कंपनी के मालिक के पे आउट देगा, कंपनी के मालिक के चेक साइन करेगा, कंपनी के मालिक का ऑर्डर लगाएगा। नो 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 दोस्त, वन मैन आर्मी बेस्ड कंपनी नहीं है, कंपनी कंप्लीट सिस्टम ड्रिवेन है। क्योंकि यदि 30 देशों में एक्सपोर्ट करती हो, 35 सालों से मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, आज 900 से ज्यादा इंप्लॉय हमारी फैक्ट्री में काम करते हो, तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि 900 एम्प्लॉय जहां काम करो बिना सिस्टम के काम करेगी क्या 35 सालों से। आज अप्रैल मई के अंदर में ये कंपनी अपनी आईपीओ लेके आ रही है, और साथ में भारत की पहली ऐसी कंपनी बनेगी जो आईपीओ लेकर के आएंगे डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद। तो दोस्तों सोचो बिना सिस्टम ड्रिवन हुए क्या सेबी परमिशन दे देगी, सवाल नहीं पैदा होता दोस्त। तो आज जो कंपनी है, आज इस कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं दोस्तों, जैसे मिस्टर प्रदीप, इनका पिछले 30 साल का अनुभव रहा है फाइनेंस का, लोन देना इनका काम रहा है, 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग, 20 साल पहले उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। साथ में मेडवेंटिस नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों, रोहतक में ही है, जो हमारी पुरानी कंपनी थी ओके लाइफ, वहां पे 30% प्रोडक्ट जो बनाती थी उनके लिए वो मेडवेंटिस बनाती थी, आज वो उस कंपनी ही इन्हीं की है, आज उस कंपनी को ये खरीद चुके हैं। तो दोस्त एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो प्रदीप जी का अपना है ना दोस्तों। जो दूसरी जो हमारी कंपनी डायरेक्टर डॉक्टर विक्रांत नरवाल, 2014 बैच के एनडीआरआई के टॉपर रहे हैं, ये पीएचडी है फूड साइंस से, 2014 बैच में इंडिया टॉप के नेशनल टॉपर थे उस साल के। साथ में पिछले 7.5 साल से इन्होंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का दामन पकड़ा ओके लाइफ केयर का, वहां के 100% जो प्रोडक्ट डिजाइन करने वाले, फॉर्मुलेशन करने वाले व्यक्ति यही है। साथ में वहां पे जितनी भी ट्रेनिंग हुई, चाहे सेल्स की हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की हो, चाहे वहां प्रोडक्ट की, ऑब्वियसली साइंटिस्ट हैं तो करते ही यही थे, कंप्लीट ट्रेनिंग करने वाले व्यक्ति ये हैं दोस्त। ये वही एक्सपर्ट हैं, वही डिवीजन इनका इनके पास है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कौन से नए प्रोडक्ट आएंगे, क्या इंग्रीडियंट होंगे, कैसी क्वालिटी होगी, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या डिमांड है, वो काम इनका, सेल्स का काम इनका, ट्रेनिंग काम। तो इस कंपनी जो तीसरे डायरेक्टर मिस्टर आशीष, लंदन से एमबीए किया, एमबीए करने के बाद इंडिया में आकर के एस्टोनिया फार्मा, जिनके फादर कंपनी थी जो इंजेक्शन दवाई बनाती थी, उसको टेक ओवर नहीं किया, वहां पे 250 लोग अलग काम करते हैं एम्प्लॉय लोग, इन्होंने एस्टोनिया लैब बनाई और आज 30 कंट्री में एक्सपोर्ट, 900 एम्प्लॉय, 450 क्लाइंट्स इनके पास में है दोस्त। ये एक एक्सपोर्ट है किसके, सर्विसेज के, ऑपरेशंस के, मैन्युफैक्चरिंग के, यानी कि डिस्पैच के, और वो सारा खड़ा डिपार्टमेंट मिस्टर आशीष। दोस्त तीनों को तीनों डायरेक्टर वही डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं जिसके एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं कि नेटवर्कर को प्रोडक्शन दे दिया गया, प्रोडक्शन आपने वर्किंग करके आ रहा है यहाँ पे, नो, तीन के तीनों अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, माहिर है, और ऐसा डेडली कंपटीशन दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में अब तक मैंने नहीं देखी इंडिया में कि तीनों अपने फील्ड के मास्टर हो, वही उस डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो सीएम आई डायरेक्टर estoniawan.com हमारी वेबसाइट, जहां जाके बहुत कुछ आप देख सकते हैं दोस्त। फाइनली अब आते हैं बिजनेस प्लान पे कि ये होगी कंपनी प्रोफाइल, कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे क्या किया। दोस्त बिजनेस प्लान की बात किया जाए, तुम्हारी कंपनी का एजेंडा बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर कैसे है, हम ये बोलते हैं आप इस कंपनी का हिस्सा बनते हैं, आप इस प्लान में ज्वाइन करते हैं, तो आपको काम करने के लिए दो चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या देखनी पड़ेंगी,
सबसे पहले आप जब हमारे यहाँ बिजनेस में आएंगे तो अपने पसंद का कोई भी सामान आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको चॉइस हो, जो आपको नीड हो। कोई भी पैकेज सिस्टम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं कि यही चीज आपको लेनी पड़ेगी, जो आपको नीड हो वही सामान आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सामान दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद में हम बोलते हैं कि जितने रुपए का आप सामान सेलेक्ट करेंगे उसका हम प्राइस देख लेंगे कितना एमआरपी बनता है, और उस एमआरपी का 10% डिस्काउंट करके आपको प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। कितने परसेंट? 10%। ऐसा क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि आप काम करोगे कि नहीं करोगे हमें नहीं पता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का विडंबना दोस्तों यह है कि 90% नेटवर्कर कभी काम ही नहीं करते। वो ज्वाइन कर लेंगे, आईडी लगा देंगे, खरीदारी कर लेंगे, काम नहीं करते। तो दोस्त ऐसी स्थिति में हमने कहा कि हम आपको एज ए कस्टमर ट्रीट करेंगे और आपको 10% डिस्काउंट पे सामान दे देंगे और एज ए कस्टमर मानेंगे इस कंपनी के अंदर में। लेकिन यदि आप बिजनेस ज्वाइन करने करने के बाद कभी भी किसी एक महीने में, यदि आपने राइट किसी एक महीने में दोस्तों आपने यदि 2500 बीवी का खरीदारी कर दिया, भले ही मल्टीपल बिल हो चाहे एक सिंगल बिल हो, अब आपको हम कस्टमर से प्रमोट करके क्या बना देंगे यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटर। ध्यान देना, एक महीने में 2500 बीवी हो गया तो आप बन जाओगे डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक दुकान पर जाके बोलो भैया 5 साबुन दे दो, तो आपको होलसेल रेट थोड़ी मिलेगा यार। आप बोलो 50 साबुन दे दो, अब आपको होलसेल प्राइस लगाया जा सकता है। तो हमने वही किया, आप एज ए प्रीफर्ड कस्टमर आएंगे, एमआरपी से 10% माइनस सामान लेंगे और आपको इनकम पूरी आएगी। आप बिजनेस में ज्वाइन कराओ, सब कराओ, एज ए कस्टमर रहो, आपको डिस्काउंट 10% पूरी इनकम आपको मिलेगी। लेकिन यदि एक बार 2500 बीबी आपने कर लिया तो अब आप बन जाओगे डिस्ट्रीब्यूटर, आपको लाइफ टाइम सामान मिलेगा डीपी के ऊपर में, जो होता कितना? 35% से लेके 100% तक का रिटेल मार्जिन तक का सोर्स सामान हमारे पास है। 100 मीन्स जैसे मान लो सामान हमारा है 1200 एमआरपी, लेकिन मिलता है आपको 600 में, तो 600 का लेके 600 कमाइए 1200 में बेच के, तो 100% की मार्जिन हो गई ना। तो आपको 35% से लेके 100% तक रिटेल मार्जिन मिल जाती है यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो लाइफ टाइम। बट बनने के लिए आपको 2500 बीबी का एक महीने में खरीदारी करनी पड़ेगी। हाँ, यदि आप सिंगल बिल के अंदर यदि आप 2500 बीबी दोस्त खरीदारी कर देते हैं तो आपको लगभग 1000 रुपए का सामान अलग से फ्री मिलता है, जिसकी वजह से आपको 1000 का सामान जोड़ दो 10% ये, तो लगभग दोस्त 24% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है स्टार्ट करते हैं बिजनेस सिंगल बिल से आते हैं। तो आप चाहे 2500 बीवी से आओ, चाहे एक टूथपेस्ट लेके आ जाओ, आपके लिए प्लान वैसे ही काम करेगा। आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, यदि आप डॉक्टर हो, आप कैंपिंग करते हो, आप रिटेलिंग अच्छा करते हो, तो आप चाहो तो कारपोरेट डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। कैसे? एक महीने के अंदर में यदि आपने 15000 बीवी का सामान ले लिया तो आप बन जाओगे कारपोरेट डिस्ट्रीब्यूटर और आपको दोस्तों 10000 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा, वो भी आपके चॉइस का। नंबर दो, यदि आपने 30000 बीवी का सामान लिया तो आपको 21000 रुपए का एमआरपी सामान फ्री मिल जाएगा आपके चॉइस का हेल्थ केयर में से। और सबसे खास बात, मल्टीपल बिल में करेंगे तब भी। हाँ, सिंगल बिल में करेंगे तो सारा होगा डीपी पे, और मल्टीपल बिल करते हैं तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा पहला 2500, ध्यान रखिएगा पहला 2500 वो मिलेगा एज ए कस्टमर 10% डिस्काउंट पर, उसके बाद वाले मिल जाएंगे डीपी पे। तो आपको डिसाइड करना है कि एक टूथपेस्ट से आएंगे तो भी प्लान वही काम करेगा, आप 15000 बीवी का लेंगे तो 10000 का फ्री मिल जाएगा, आपको 21000 का फ्री चाहिए तो 30000 ले लो, चाहे टूथपेस्ट से काम करो, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई पैकेज नहीं, कोई दबाव नहीं, आप जैसे मन वैसे काम कर सकते हो। दोस्त एक बार आपने काम स्टार्ट कर दिया, अब दोस्तों काम स्टार्ट करने के बाद में अब कहानी असली शुरू होती है। अब आपको जो इनकम आती है दोस्त, ये सबसे कमाल की इनकम बता दूं, मेरी फेवरेट इनकम है ये इनकम इतनी शानदार है दोस्त कि मेरा मानना ये है कि इस इनकम ही, यही अकेले एक इनकम सारे प्लान पे भारी पड़ता है। आप किसी भी कंपनी का पूरी इनकम निकाल के जोड़ देना और दोस्त इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ एक इनकम जोड़ देना, वो ये इनकम है, इसका नाम है वेलकम रिटेल बोनस। जो बता दूं अगला एक ही इनकम सारे प्लान पे भारी पड़ता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानना यह होगा कि आखिरकार इनकम काम कैसे करता है, और मैं इसके लिए शेयर करना चाहूंगा अपना आईपैड। आईपैड क्यों? जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपको कैलकुलेट करके दिखा सको, क्योंकि मेरी फेवरेट इनकम है और फेवरेट इनकम में दोस्तों कोई रिस्क नहीं लेना चाहता बताने में कि आपको समझ में ना आए। राइट नो यस दोस्तों, देखते हैं इनकम काम कैसे करता है। हमारी कंपनी बोलती है कि एक बार आप बिजनेस में आ गए, आने के बाद जितने लोग आपके टीम में ज्वाइन करते हैं, क्या दो? जितने लोग आपके टीम में ज्वाइन करते हैं, जब वो खरीदारी करेंगे दोस्त, वो रहेंगे प्रीफर्ड कस्टमर। आपको याद होगा कि कोई व्यक्ति यदि बिजनेस में आता है तो एज ए प्रीफर्ड कस्टमर तो ज्वाइन करेगा। प्रीफर्ड कस्टमर क्यों? क्योंकि वो अभी आया, अभी खरीदारी कुछ किया नहीं है। तो हमने कहा कि आपका बंदा एक प्रीफर्ड कस्टमर के रूप में आएगा और 10% डिस्काउंट पर सामान लेके जाएगा। तो जिस रेट में दोस्तों सामान कोई खरीदा, यानी कि जो कस्टमर का रेट है माइनस जो उसका रियल में डीपी होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस, यानी जब भी कोई खरीदारी किया तो कितने में खरीदारी किया और कितने का वो प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसका सीधे सीधे 70% मिल जाएगा आपको जिसने स्पॉन्सर किया। यानी जितने लोग को आप डायरेक्ट बिजनेस में लाओगे उतने लोग के परचेजिंग रेट और डीपी का 70% मिल जाएगा आपको। जो लोग को वो ज्वाइन कराएंगे, यहाँ पे फर्स्ट लेवल के लोग जिनको ज्वाइन कराएंगे, सेकंड जनरेशन के जो लोग आएंगे दोस्तों उनसे मिल जाएगा 15%, सेकंड जनरेशन के लोग जिनको लाएंगे उनसे मिल जाएगा 10%, और ये लोग जिनको लेके आएंगे उनसे मिल जाएगा 5%। यानी कि आपके हर डायरेक्ट से आपको मिलेगा 70%। कैसे मिलता है इनकम दोस्तों, हम देखने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों कि आप यहाँ पे आते हो यू, और आपने एक व्यक्ति को बिजनेस में लाया 2500 बीवी से, राइट?
लेकिन दोस्त इसी प्रोडक्ट की हो सकता हो कि डीपी तो ज्यादा होगी, बीवी 2500 होते एमआरपी, मान ली डीपी इसका 6000 रुपये हो गया, लेकिन मेरे भाई इसी प्रोडक्ट का जो एमआरपी होगा वो और भी ज्यादा होगा, मान लेते इसी सामान की एमआरपी हो जाती है 10000, तो एज पर प्लान आपको एमआरपी से 10% डिस्काउंट पर सामान मिलेगा, तो 10000 का 10% घटा दे दोस्त तो आपको 9000 में मिल जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन भाई 6000 ही तो सामान का डीपी था, तो मिला कस्टमर को 9000 में, तो 6000 9000 दोस्तों अंतर कितना होता है 3000। अब एज पर प्लान 70% मिल जाएगा आपको क्योंकि डायरेक्ट आप है, तो 3000 का 70% दोस्तों कितना होता है 2100 रुपए, यानी मैं ये बोलूं सीधे सीधे कि आप यहां पे आए आपने 9000 रुपीज, नॉट बीबी नॉट पीबी, 9000 रुपए से एक बिजनेस में किसी को लाया तो आपको दोस्तों 2100 रुपए की इनकम आ गई, आपने दूसरा 9000 रुपए फिर से किसी को लेके आए तो फिर से 2100 की इनकम आ गई, तो भैया 9000 की दो ज्वाइनिंग पे 4200 की इनकम, आप सोच भी नहीं सकते किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आना बहुत दूर की बात है। कमाल की बात देखो कि आप यहां पे आए आपने एक व्यक्ति को लाया बिजनेस में, एक आदमी को आपको मिल गया इससे 70%, इस एक आदमी दोस्तों मान लीजिए 20 लोग का टीम बना दी, 20 डायरेक्ट बना दिया, इससे मिल जाएगा 15% सेकंड लेवल से, ये 20 लोग मान लो दोस्तों कल 2000 के 200 का टीम बना दें तो आपको इससे मिल जाएगा 10% थर्ड लेवल से, कल ये 2000 200 लोग 2000 का टीम बना दें तो आपको मिलेगा 15% सॉरी आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5% फिफ्थ लेवल फोर्थ लेवल से, जबकि आपने दूसरी टीम शुरू भी नहीं की, यानी यदि एक सिंगल टीम भी आपने चला दिया सिंगल टीम तो भी दोस्त एक बड़ी इनकम लेके जाएंगे, दूसरी टीम चले चाहे ना चले इतनी बेहतरीन इतनी शानदार इनकम है ये। यानी आप मान लीजिए यहाँ पे आते दोस्त, पहला मान लीजिए आप यहाँ पे आए आपने 10 लोग की टीम बनाई, आपकी टीम साइज 10 की हुई, 10 लोगों ने एमआरपी डीपी का 3000 का इनकम जनरेट किया तो बिजनेस होगा 30000, क्योंकि 10 आपके डायरेक्ट है तो आपको मिलेगा 70%, यानी 21000 की इनकम निकल के आ गई, जबकि अभी प्लान स्टार्ट नहीं हुआ, अभी प्लान स्टार्ट होना बाकी है, ध्यान देना अभी भी कुछ नहीं बताया मैंने आपको। मानिए दोस्तों लेवल नंबर 2 पे जाएं, ये जो 10 की टीम थी, ये 10 की टीम भी आगे 10 की टीम बना दे तो 100 लोग की टीम हो जाएगी, राइट, और 100 लोग दोस्तों यदि अपना 3000 का एमआरपी डीपी कंसिडर करें तो आपका बिजनेस हो जाएगा सेकंड लेवल में 3 लाख रुपए की, 3 लाख यदि आपको 15% आता सेकंड लेवल से तो आपको 45000 की इनकम आ गई, जबकि अभी प्लान शुरू नहीं हुआ दोस्त। ठीक वैसे 100 लोग की टीम थी, थर्ड लेवल डीप चले जाए वो 100 लोग भी अपने जैसे सिर्फ 10 लोग कस्टमर को ले आए तो टीम आपकी हो जाएगी यहाँ पे 1000 लोगों की, यदि एमआरपी डीपी के अंदर 3000 ही जनरेट हो जाए उनका तो आपका बिजनेस होगा 30 लाख का दोस्तों, 30 लाख का सिर्फ आपको 10% भी मिल गया तो थर्ड डीप से आपको 3 लाख की इनकम आ गई, जबकि अभी प्लान स्टार्ट होना बाकी है ना, बीवी बीवी एमआरपी डीपी के अंदर हो रहा है दोस्तों। और लास्ट और चौथा, ये 1000 की टीम थी, चौथे डीप में यदि 1000 लोगों ने सिर्फ 10 की टीम बना दी दोस्त तो टीम हो सकती है यहाँ पे 10000 लोगों की, और 10000 लोगों की 3000 का एमआरपी डीपी के अंदर जनरेट करें तो बिजनेस हो जाएगा 3 करोड़ का, जिसका सिर्फ 5% भी आपको मिलता है चौथे डीप से तो 15 लाख रुपए की आपकी इनकम आ गई मेरे दोस्त, जबकि अभी प्लान स्टार्ट हुआ भी नहीं है। सोचना कितनी बड़ी इनकम निकल के आती है ये सिर्फ और सिर्फ आप इतने कम टाइम में। तो दोस्त यहाँ पे आप देखेंगे सब मिला जुला के एक बहुत बड़ी इनकम निकल के आती है, जैसे मैं बताया एक सिंगल टीम भी चल गया तो भी इनकम आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे खत्म करूंगा, जैसे मेरे हाथ में भी ये सिवकथॉन जूस है, सिवकथॉन और कर्कुमिन का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है दोस्तों, हाई वर्क वैल्यू, और इसका रिजल्ट हमने बहुत लिया है वेट लॉस से लेके स्किन के रोगों में। बता दू आपको, मान ली किसी ने आपको इसकी एमआरपी दोस्तों है 1200 रुपए, बता दू आपको एक्चुअली 1199 इसकी एमआरपी है एक लीटर की, और इसकी जो डीपी है दोस्तों 599 सिर्फ 600 रुपए। अब इमेजिन करो आपने एमआरपी से 10% डिस्काउंट पे लिया यदि इसी दो बॉटल को तो 2150 के आसपास दो बॉटल आ जाएगी, आपने 2150 को 2 लोग को ज्वाइन करा दिया, आपने सिर्फ सिवकथॉन बेचवा दी दो दो बॉटल दो टीम में, पता आपकी इनकम कितनी आएगी 672 इधर से आएगा 672 इधर से आएगा, यानी आपकी इनकम आ गई 1344 रुपए के आसपास सिर्फ दो सिवकथॉन बेच के। मैं कहता हूँ छोड़ो यार नहीं आएगा इस टीम में, आपने इधर एक ही साइड में ये भी डाल दी तो भी आपकी इनकम आएगी, दूसरी टीम खुली नहीं तब भी 1350, तो आप बताना 2150 रुपए की दो ज्वाइनिंग करा के क्या 1350 इनकम आप ले सकते हो किसी प्लान में? भैया किसी कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे चले जाओ तब भी 2150 की दो ज्वाइनिंग पे आपको 1300 करोड़ 1000 करोड़ 500 की इनकम नहीं आती। ये शानदार दोस्तों प्लान है, यानी जितने भी आप डायरेक्ट बनाओगे सिंपल शब्दों में उनके एमआरपी डीपी के अंतर का 70%, 15%, 10% और 5%, 4 लेवल डीप से 100 का 100 पूरा, कंपनी एक चौनी नहीं खाती एमआरपी डीपी का, पूरा पूरा हमें आपको वापस हो जाता दोस्तों। ये हमारा था पहला इनकम इस कंपनी की बात करूं तो, जो इनकम निकल के आ जाता है सिर्फ और सिर्फ बॉटम पे ही। दोस्तों नाउ अगली इनकम की बात किया जाए तो दोस्तों नेक्स्ट इनकम हमारी निकल के आ जाती है वो आती है आपकी, क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके सॉरी सॉरी सॉरी, जो अगली इनकम दोस्तों निकल के आती है उसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप बोनस, क्योंकि आप स्टार्ट करें और स्टार्टअप में दोस्तों कैसे आता है इसका तरीका क्या है कि यदि आपका बीवी 1500 टीम ए में 1500 टीम बी में हो जाए तो 1500 के मल्टीपल में कंपनी बोलती है मैं आपको यहाँ पे दूंगा एक स्टार्टअप बोनस पॉइंट, शॉर्टकट में एसबी पॉइंट, 1500 की मैचिंग में 1 पॉइंट, 3000 पे 2 पॉइंट, 4500 पे 3 पॉइंट, 6000 पे 4 पॉइंट, हर 1500 के मल्टीपल में आपको ये दोस्तों 1 पॉइंट मिलेगा, और हर पॉइंट की वैल्यू यदि मैं बात करूं तो कंपनी यहाँ पे आपको निकाल के कैसे देती है, हर पॉइंट की वैल्यू कंपनी निकालती है अपने टर्नओवर से, कितना
यदि आपका दोस्तों इस कंपनी के अंदर में टर्नओवर हो जाए तो कंपनी पूरे एक महीने का अपना टर्नओवर का 25% निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उन लोगों को जिन्होंने 1500-1500 की मैचिंग की होगी। और दोस्तों एक पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल के आती है 150। बता दूं अपने एक महीने के बीवी के टर्नओवर को निकाल के यहां बांट देती है सिर्फ 1500-1500 में। साथ में 8% दोस्तों और बांटती है अलग से बूस्टर बोनस के नाम पे, जिसकी एक पॉइंट की वैल्यू आती है 220। सिंपल सा तुम बताना मैं क्या चाह रहा हूं दोस्त, कि यदि आप यहां ध्यान से देखें तो कंपनी ने अपने टर्नओवर का आपको दे दिया 25% सिर्फ सिर्फ 1500 पे, और 8% कंपनी ने अलग से दे दिया यदि आपका बूस्टर बोनस के नाम पे, यानी दोनों जोड़ दिया जाए तो बिजनेस वैल्यू का 33% दोस्तों आपको कंपनी ने यहाँ पे वापस कर दिया सिर्फ और सिर्फ 1500 के मैचिंग में। आज मार्केट में कंपनी बोलती है आप सिल्वर चले जाओगे 21% में चले जाओगे 10 लाख का बिजनेस देके, कोई बोलता है डॉक्टर चले जाओगे 20% चले जाओगे 2 से 3 लाख का बिजनेस देके। अब 20% पे हम बोलते 33 लोग 1500 के बिजनेस पे काम खत्म। इतना आसान प्लान दोस्तों ने बॉटम को इम्पावर करने के लिए। ने बॉटम को इंपावर किया इस प्लान से। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए 13,500 की आपकी मैचिंग हो जाए तो होगा क्या, 1500-1500 में बनता है एक पॉइंट, तो दोस्तों 13,500 में बन जाएगा आपका 9 पॉइंट। एक पॉइंट की वैल्यू 150 हुई तो आपको इनकम आ गई 1350 रुपए। ठीक वैसे ही आपका बूस्टर बोनस वन ये भी बनेगा 9 पॉइंट, तो 220 की वैल्यू तो 1980 की इनकम, यानी दोस्तों ओवरऑल 3,330 रुपए की आपकी इनकम निकल के आ गई सिर्फ और सिर्फ 13,500 की मैचिंग में। प्लस एक इनकम और आएगी, उसका नाम क्या है, वेलकम बोनस, क्योंकि दोस्तों वेलकम बोनस पर वीक क्लोजिंग होती है तो ये वीकली मिल जाती है, इसलिए मैंने बीवी प्लान में इसको ऐड नहीं किया। तो एक इनकम वीकली आ गई वेलकम बोनस, जो MRPDB का अंतर, जिससे आपका पूरा खर्च निकल गया, और ये इनकम आ गया महीने में एक बार जो बीवी से इनकम आती है प्लान से आती है जो आपके परिवार में काम आ गया। तो अगली इनकम यहाँ पर निकल के आती है, इसका नाम है सुपर स्टार्टअप बोनस। ध्यान देंगे सुपर से एस निकालेंगे, स्टार्टअप से एस निकालेंगे, बी से निकालेंगे, बोनस से बी, SSB। तो जब आपका 1500-1500 हुआ तो स्टार्टअप था, 1500-1500 पे शुरू जाता सुपर स्टार्टअप, तो दोस्तों हर 1500-1500 पे आपने लगा SSB पॉइंट, यानी सुपर स्टार्टअप बोनस पॉइंट, 15,000 पे एक, 30,000 पे दो, 45,000 पे तीन, उसी के मल्टीपल में। एक पॉइंट में दोस्तों कंपनी टर्नओवर का 17 बढ़ देती है, और एक पॉइंट में दोस्तों वैल्यू निकल जाती है अराउंड 1300। साथ में कहती है बूस्टर बोनस टू यहाँ हो जाएगी जो होता है 4%, और इसके हिसाब से 2,000 की वैल्यू इसकी, तो देखा जाए तो 17 ये है बूस्टर बोनस में, और 33 पिछले पहले इनकम में बढ़ चुकी है बिजनेस वैल्यू का, जोड़ दिया जाए तो दोस्तों ये हो गया आपका 54% का डिस्ट्रीब्यूशन। मैं रिपीट करना चाहूंगा, बिजनेस वैल्यू का 54%, राइट, 4 3 7 7 14, 3 3 1 4 1 5, तो बिजनेस वैल्यू का 54% दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 15,000-15,000 की मैचिंग में ही स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इनकम बहुत बड़ी निकल के आ जाती है। दोस्तों नकला एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं 15,000 की मैचिंग हो गई तो इनकम कितनी आएगी, बड़े आसानी से 10 पॉइंट बनेगा आपका स्टार्टअप, क्योंकि 1500 पे एक पॉइंट सुपर स्टार्टअप, एक पॉइंट बूस्टर बोनस टू, क्योंकि 15,000 से स्टार्ट होता है, पूरा इनकम हो गया 4800 की इनकम निकल के आ गई सिर्फ 15,000 की मैचिंग पे। प्लस दोस्तों आपको एक इनकम जो आती है हर हफ्ते वीकली, जिसका नाम क्या था आपको याद होगा, वेलकम बोनस, ये पैसा आपको एक्स्ट्रा निकल के आ गया वीकली अलग से ही अलग से, यानी दोनों मिला दू तो 7,000 की 9,000 तक की इनकम आ सकती है, यदि दो स्पॉन्सर हो गया आपका तो। नाउ इसके बाद दोस्तों जो अगली इनकम आती है उसको बोलते हैं मेगा स्टार्टअप बोनस। ये क्या होता है, 30,000 पे स्टार्ट होता है, 30,000, 30,000 पे एक MSB पॉइंट, एम मतलब मेगा, एस मतलब स्टार्टअप, बी यानी बोनस MSB, तो हर 30,000, 30,000 पे एक पॉइंट, 7,000 पे दो, 90,000 पे तीन, और यहाँ पे दोस्तों कंपनी 15% और बांट दी। आपको याद होगा 54% तो दोस्तों कंपनी बांट चुकी थी सिर्फ 15,000 की मैचिंग पे, 15% यहाँ और मिल जाए, अब दोस्तों बिजनेस वैल्यू का कितना हो गया 69% की मैचिंग, ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ 30,000 30,000 के, 7,500 के ऊपर मात्र, अदर कमिंग दोस्तों आप डायरेक्टर भी नहीं पहुंच पाओगे जितना भी आपको 69% का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। नाउ एक पॉइंट दोस्तों वैल्यू 1600, एक एग्जांपल लेते हैं, यदि 30,000 की मैचिंग किसी को हो जाए तो क्या इनकम बन सकती है, 20 पॉइंट दोस्तों बन जाएगा स्टार्टअप बोनस, क्योंकि 1500 पे शुरुआत होती है तो 3,000 रुपए, 2 पॉइंट बन जाएगा सुपर स्टार्टअप क्योंकि 15,000 पे होती है तो 15,000 पे एक पॉइंट, तो 30,000 पे 2 पॉइंट, मेगा स्टार्टअप दोस्तों 30,000 पे ही शुरुआत होती है एक पॉइंट, और मेगा और सुपर स्टार्टअप बोनस टू, बूस्टर बोनस टू, ये मिलेगा 2 पॉइंट क्योंकि ये शुरू होती है 15,000 पे, तो 2 पॉइंट ये बन जाएगा 30,000 पे। ओवर इनकम कितना 11,000 की दोस्तों इनकम निकल के आ गई सिर्फ 30,000 की मैचिंग पे, और मजे की बात इसके साथ में वेलकम बोनस अलग से। आप दोस्त किसी बिजनेस में डाल दोगे ना, किसी कंपनी में, तो 30,000 वीकर साइड में डाल के आपको 5,000 निकालना मुश्किल हो जाता है, 11,000 तो बहुत दूर की बात है। नाउ दोस्तों अगली इनकम आती है यहाँ पे हाउस फंड। यदि किसी ने 30,000 30,000 के बिजनेस को लगातार 3 महीने मेंटेन कर दिया तो कंपनी उसको दे देगी 9% और एक्स्ट्रा हाउस फंड के नाम पे, और हाउस फंड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल के आती है 1,000। ध्यान देना पीछे 69 बांट चुकी है कंपनी, अब यहाँ पे 9 ऑर्डर हो गया तो 9 में 69 ऐड कर दूं यदि मैं, तो दोस्त निकल के आता है 78%। ध्यान देना बीवी का 78% सिर्फ 30,000 30,000 की मैचिंग पे, यानी 30,000 30,000 दोस्तों किसी ने लगातार 3 महीने कर दिया तो आपको पीछे 11,000 तो आ ही रहा था, एक इनकम आउट हो जाएगी हाउस फंड वाली, अब हो जाएगी इनकम आपकी 12,200 प्लस वेलकम बोनस जो वीकली आती है वो एक्स्ट्रा। दोस्तों अगली इनकम आती है यहाँ पे कार फंड, हाउस फंड के बाद कार फंड। यदि आपने 30,000 30,000 3 महीने किया था तो आपको शुरू हो गया हाउस फंड, दोस्त इसी को 3 महीने और बढ़ा के टोटल कर दो 6 महीने, अब शुरू जाएगा यहाँ पे कार फंड बोनस। मजे की बात
8% कंपनी अपने टर्नओवर के यहाँ पे और देना शुरू कर देगी, और इसकी भी वैल्यू अप्रॉक्स 1000 ही निकल के आ जाती है। मतलब ये हुआ कि पीछे आपको कंपनी 78% दे चुकी है अब तक, लेकिन दोस्तों कार फंड में भी 8% डाल दिया जाए तो अब आपको आ गया 86%। ध्यान देना बिजनेस वैल्यू का 86% दोस्तों आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ 30,000 की मैचिंग लगातार 6 महीने कर दिया आपने तो कभी भी लाइफ में, राइट। इस तरीके से आपको 11 से 12 हुआ, 12 से फिर से इनकम 1000 जुड़ गया, अब जाएगा 13,000। 30,000 30,000 लगातार 6 महीने जो कर लिया, 30,000 की मैचिंग में 13,000 की इनकम, प्लस एक वेलकम बोनस वीकली आता है दोस्तों वो एक्स्ट्रा। नौ इसके बाद दोस्तों बूस्टर बोनस 3 आती है 1% की, यदि आपकी मैचिंग 7,500 हो जाए तो 3,000 और एड हो जाती है पूरी बिजनेस में, तो आपको 21,400 से लेकर 25,000 इनकम यहाँ निकल जाती है। यदि आपने बूस्टर बोनस 4 दी 1,20,000 की मैचिंग की तो आपको यहाँ पे 1% दोस्तों 1% और निकल के आएगी तो आप इनकम 45,000 पहुंच जाएगी, साथ में 45 तक आंकड़ा टच कर जाता है यहाँ पे। और यहाँ साथ में बूस्टर बोनस 5 यदि 2,75,000 2% और देती, ध्यान देना 86 पीछे दे चुकी थी उसके बाद 1-1% और दी, यानी 2% पीछे वाले पे बूस्टर बोनस पे दी और 86 दोस्तों पीछे दे चुकी है। गोवर्धनी जी ये सही तरीका नहीं, इसको इरेज करिए, बिल्कुल गलत बात है ये, भरी मीटिंग में आप पेन चला रहे हैं 86%। तो दोस्त इस तरीके से जोड़ेंगे तो सब मिला के आपको बिजनेस वैल्यू का 90% यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बता दो सिर्फ और सिर्फ 2,75,000 की मैचिंग पे। तो इस तरीके से भी देखा जाए दोस्तों आपकी 2,75,000 की मैचिंग पे लगभग 1,00,000 महीने की इनकम आ जाती है। हमने पॉइंट वैल्यू सिर्फ 2% निकाला 18,000, जबकि रियल दोस्तों ये 25,000 से ऊपर पॉइंट वैल्यू आज डेट में आ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं 18,000 सिर्फ। तो इस तरह से 1,00,000 महीने की आपकी इनकम पहुंच गई सिर्फ 2,75,000 की मैचिंग में। इसके बाद दोस्तों आती है आपके लीडरशिप बोनस जो बहुत मोटा है, 5% यहाँ दे दी, 90 पीछे हो चुका है, 5 कंपनी ने यहाँ पे और निकाला, यदि 90 का दोस्तों जोड़ दिया जाए तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 95%। ध्यान दीजिएगा 95% यहाँ टर्नओवर हो गया। यहाँ दोस्तों कंपनी ने क्या किया कि 1 पॉइंट की वैल्यू जो निकल के आती है दोस्तों, दादू रिपीट करके हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 75, लेकिन रियल में इसकी वैल्यू 1,50,000 से ऊपर आती है। फिर भी हम 75 क्यों दिखा रहे हैं कि दोस्तों जनरेशन प्लान ये 2 लेग जनरेशन प्लान है, बाइनरी प्लान तो है नहीं, और जनरेशन प्लान में पॉइंट की वैल्यू थोड़ी सी नीचे आती है समय के साथ, तो जब पॉइंट की वैल्यू नीचे आएगी तो कितना आएगी, हमने एक आंकड़ा निकाल के उसको डाला यहाँ पे। इस हिसाब से आपका इनकम लगभग 3,70,000 तब भी पहुंच जाता है 12,00,000 की मैचिंग में, लेकिन आज मैच करेंगे तो 4,25,00,000 पहुंच जा रहा है, बट हम आज की बात नहीं करते दोस्त, आज के 4 साल 5 साल 7 साल बाद की बात करें उसके हिसाब से इनकम दिखा रहे हैं आपको। नाउ दोस्तों एम्बेसडर बोनस होता है हमारा लास्ट 3%, यानी पीछे आपको 95% तक डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर चुकी है, 95 को ऐड कर दिया जाए अब यहाँ पर हो गया बिजनेस वैल्यू का 98% का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है सिर्फ 30,00,000 30,00,000 की मैचिंग पे 3%। अगर तो ये भी कोई कैपिंग फ्री है, 30,00,000 30,00,000 पे 1,60,00,000 पे 2,90,00,000 पे कोई कैपिंग नहीं, ठीक वैसे 12,12,00,000 पे 1,24,00,000 पे 2,36,00,000 पे 2 कोई कैपिंग नहीं, अनलिमिटेड जब तक पैसे उठा सकते हैं दोस्त। बता दूं 1 पॉइंट की वैल्यू यदि बताऊ इसकी एम्बेसडर बोनस की, तो हमने यहाँ लिखा सिर्फ 1,00,000, लेकिन रियल में पौने 2,00,000 2,00,000 तक इसकी निकल के आ रही है आज डेट में, राइट। दोस्तों इस तरीके से 7,60,000 की इनकम हो जाएगी जब इसकी पॉइंट वैल्यू गिर भी जाए दोनों का, क्योंकि यहाँ 75 लिखा यहाँ 1,00,000 लिखा, जबकि दोनों मिला दूं तो इसकी पॉइंट वैल्यू लगभग 3,50,000 के ऊपर जा रही है, जबकि यहाँ दिखा रहे कितना सिर्फ पौने 2,00,000 दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आज की बात करूं दोस्तों तो आराम से 10,00,000 महीने की इनकम लेकर आप आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कितने पे, 30,00,000 की मैचिंग पे, क्योंकि हर हाल में आपका वेलकम बोनस तो एक्स्ट्रा है ही ना। मैं तो प्लान में पूरे प्लान में हमने जो सबसे बड़ी इनकम हमारी कंपनी का है वेलकम बोनस, उसको तो दोस्तों हमने जोड़ा भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि बड़ी इनकम कर सकते हैं प्लान के माध्यम से। लास्ट होता है इसका एनुअल रॉयल्टी बोनस, यदि जो आता है 4%, यदि आपने दोस्तों 50,50,00,000 का बीवी मैच कर दी पूरा मिला के एक्युमुलेटेड 1 साल में, क्योंकि जनरेशन प्लान दोस्तों कैरी फॉरवर्ड तो होता नहीं, बट ये 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया स्पेशल फॉर रॉयल्टी, तो आपको कंपनी अपने टर्नओवर का 1 साल के टर्नओवर का 2% निकाल के उन लोगों में इक्वली बांट देती है जिन लोगों ने 50,50,00,000 की मैचिंग की होगी। यदि आपने 1.5 करोड़ की मैचिंग किया तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंपनी देती है 1%, या आपने 5 करोड़ की मैचिंग किया तो इनके लिए अलग से निकाल रखी है 1%। तो देखा जाए तो 4% का दोस्तों रॉयल्टी आ गई और पीछे 98% का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दे चुकी थी, इसको ऐड कर दो दोस्तों बिजनेस में 102% कंपनी बांट देती है बिजनेस वैल्यू का। यानी यदि एवरेज बीवी दोस्तों यदि हम 40 भी मान के चले, जबकि 40 ऊपर भी आ रहा है, तो 40 का आप निकालिए 102%, ध्यान दीजिए 40 का कितना 102% निकालेंगे तो दोस्तों याद आएगा 40 रुपए 80 पैसे, यानी जब 100 रुपए का सामान सेल होता है कंपनी में तो कंपनी लगभग पौने 41 41 रुपए दोस्तों हमें आपको बांट देती है, बाकी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ कंपनी का अलग से। इसके बाद दोस्तों बताया इस कंपनी का आपका रैंक सिस्टम, दोस्तों हमारा क्या फोकस था इस प्लान बता दूं आपको, बहुत क्लियर था कि किस तरीके से हम किसी को 13,000 15,000 महीने की इनकम पहुंचाए, क्योंकि दोस्तों 12 12 घंटे सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करता है सिर्फ 12,000 महीने के लिए। आज 12 घंटे के लोग आज पीयून का जॉब करें किसी ऑफिस में जाकर दोस्त, आज उन लोगों को हमें 50,00,000 का ख्वाब नहीं दिखाना, 15,00,000 ख्वाब नहीं दिखाना, सिर्फ 30,000 की मैचिंग में 10 12,000 महीने की इनकम आ जाए, 13,000 की इनकम आ जाए दोस्त, उनका मामला सेट हो गया। ऐसे ही तेजी से इनकम कैसे पहुंचेगा 25,000 हमने वो प्रयास किया 6,500 पे, तेजी से इनकम कैसे पहुंचेगा 40 45,000 हमने वो प्रयास किया, तेजी से कोई कैसे 1,00,000 महीना पहुंचेगा हमने वो प्रयास किया, यानी 30,000 की मैचिंग में 13,000 6,500 पे 25,000 15,00,000 पे 45,000 2.5 लाख पे 1,00,000 महीने की इनकम पहुंच गई। मजे की बात ये पूरी की पूरी दोस्तों जो इनकम आई ये आप अपनी फैमिली को दे देना, क्योंकि आपके खर्चे के लिए पर वीक एक वेलकम बोनस आ रहा है ना दोस्तों, ये हमारा वेलकम से निकाल लिया डब्ल्यू, मंथली से दोस्तों ने निकाल लिया एम,
और ईयरली सब निकाल लिया वाई। दोस्तों हम इस प्लान को बोलते हैं WMY मॉडल प्लान। वीकली इनकम मिल गया वेलकम बोनस, आपका पेट्रोल गाड़ी खर्चा सब ये निकाल दिया। मंथली इनकम मिल गया आपका परिवार खुश, और दोस्त ईयरली इनकम मिल गया आपके जितने सपने थे गाड़ी का घर का कार का ड्रीम वो पूरा, क्योंकि इकट्ठे बड़ा पैसा मिलेगा रॉयल्टी के नाम पे। दोस्त WMY मॉडल दोस्त एक बेहतरीन प्लान है जिसका स्टार्टअप 3 मार्च को हुआ, वो भी प्री लॉन्चिंग हुई है। इसके बाद दोस्तों मेरे निकल के आता हमारे रैंक्स, यदि आप एग्जीक्यूटिव बन जाए ध्यान 15,000 की जो मैचिंग कर दिया उसका दोस्तों रैंक हो जाएगा एग्जीक्यूटिव का। और लाइफ में कभी भी आप 15,000 मैच करेंगे आपको 1 रात 2 दिन का एक ट्रेनिंग मिलेगा जिसको हम बोलते हैं RBC रेड ब्लड सेल्स, हमारे बिजनेस का रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव। 1 रात 2 दिन का ट्रेनिंग आपको मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जितनी आपकी इनकम उसका 10 गुना का दोस्तों हम इंश्योरेंस कर देते हैं कि भगवान न करे आप कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए किसी तरीके से, तो आपको हमारी कंपनी के माध्यम जो इंश्योरेंस कंपनी आपको आप इनकम का 10 टाइम कंपनी अप्रूव कर देगी, आपको डेथ के कंडीशन आपके परिवार को मिल जाएगा। दोस्त 15,000 पे सिर्फ मैचिंग पे आपको एग्जीक्यूटिव बनते ही रैंक मिल जाए इंश्योरेंस, दोस्तों एक कमाल की बात बता दूंगा। ये दिया हमने कितने 30,000 की मैचिंग कर ली दोस्तों, रैंक हो गया सीनियर एग्जीक्यूटिव का। लेकिन आपने 3 महीने मेंटेन कर दिया या 75,000 महीने एक बार भी मैच कर दिया तो आपको दोस्तों A1 स्टार्टअप करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। मतलब ये हमारा दोस्तों एक पैरामीटर मीटिंग करने का, कंपनी आपको पर मीटिंग 3,500 रुपए पे करेगी मीटिंग करने के नाम पे, जो जगह का भाड़ा किराया जो भी आप जान लो उसको। तो आप चाहे तो अपनी 4 मीटिंग हर वीकली कर सकते हैं, यानी महीने का 14,000 कंपनी से ले सकते हैं A1 एकेडमी हमारे एजुकेशन सिस्टम से A1 स्टार्टअप मीटिंग कराने के लिए, जिसलिए कंपनी आपको 3,500 पर मीटिंग दे रही है। मैनेजर, यदि आपने 1.5 लाख की मैचिंग दोस्तों कर दी आप बन जाएंगे मैनेजर। और सबसे खास बात, यदि आपने 1.5 लाख की मैचिंग 3 महीने लगातार 3 महीने कर दिया, 3 लगातार नहीं पूरे 1 साल में 3 बार कर दिया, तो दोस्तों आप फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर जाएंगे, जैसे नेक्स्ट ईयर वियतनाम का ट्रिप दे रहे हैं। और यदि किसी ने 1.5 लाख की मैचिंग लगातार 1 साल में 6 बार कर दिया, लगातार नहीं 6 बार 12 महीने में कर दिया, दोस्त कपल टिकट क्वालिफाई जाएंगे फॉरेन ट्रिप के लिए। अक्सर दोस्तों कंपनी आपको देती है फॉरेन ट्रिप के नाम पर, ध्यान देना आपके आपके खुद के ट्रेवल फंड से आपके इनकम से ही ट्रेवल भेजा जाता है। हमारा ऐसा नहीं है, हमारी पूरी इनकम आपके खाते में चली गई, जो आपने टारगेट पूरा किया 1.5 लाख की मैचिंग 3 महीने तो फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई और 6 बार कर लिया तो आपको कपल टिकट क्वालिफाई। दोस्तों 3 लाख की मैचिंग कर दी आपने तो आप बन जाएंगे सीनियर मैनेजर, और आप उसके बाद किसी भी RBC को यानी 1 नाइट 2 डेज का ट्रेनिंग आप अपनी टीम का इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको पैसे देगी, आपका फाइनेंस कंपनी करती है। 12 लाख की दोस्तों मैचिंग होगी तो आप बन जाएंगे जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर दोस्तों आप आरबीसी लेने वाले बन जाएंगे, साथ में आपको 2 रात 3 दिन की हमारी ट्रिप होती है इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव, वो सॉरी NBC होती है नेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव, वो आप हासिल कर पाओगे। और इसके अलावा आप कोई ट्रेनिंग मीटिंग करते हो अपनी तरफ से जो बड़ी हो तो कंपनी से अप्रूवल ले लोगे, 50% कंपनी में सपोर्ट करेगी पैसे का, जो आपको पूरा नहीं लगाना है। दोस्तों 30 लाख की मैचिंग हो गई तो आप बन जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट, आपको यहाँ पे स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट, स्पेशल एंट्री अरेंजमेंट। 50 लाख में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, स्पेशल सीटिंग एंट्री, साथ में हर सेमिनार में मीटिंग सीट में आपकी स्पीच 5-10 मिनट शुरू हो जाएगी। क्राउन वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों हो गया डेट कौन की मैचिंग पे, जहां पे आपको प्रॉपर मीटिंग ऑर्गेनाइज करके अलग से आपके सीट पे नाम लिखा मिलेगा, व्यवसाय मिलेंगी, साथ में आपको मिल जाएगा 5-10 मिनट आधे घंटे बोलने का हर मीटिंग में मौका। और यदि आप डायरेक्टर बनकर दोस्तों लास्ट 5 करोड़ की मैचिंग करके 1 महीने में, ध्यान देना, तो ऐसे केस में दोस्तों आपको पूरी सुविधा जाएगी कंपनी के डायरेक्टर जैसे, पूरे इंडिया में कहीं मीटिंग ट्रेनिंग होटल सेमिनार कॉन्फ्रेंस सब कुछ खर्चा कंपनी करेगी, वो भी परिवार के साथ। कोई फॉरेन ट्रिप भी आपके मदर फादर बेटा बेटी पूरे स्पाउस को लेकर आप जा सकते हो, पूरा खर्च कंपनी करती रहने खाने पीने कंपनी के एवरीथिंग का ये मिलता है दोस्तों, यदि आप डायरेक्टर चले गए तो। ये दोस्तों हो गया इस तरीके से फॉरेन ट्रिप, 1.5 लाख महीने 3 बार करने फॉरेन ट्रिप, इतना आसान दोस्त फॉरेन ट्रिप मैंने आपको नहीं देखा जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। बड़ी बात यह है, बता दो दोस्तों हमारी प्री लॉन्चिंग होने वाली है 14 तारीख को लखनऊ में। यदि आप चाहें 15,000 की मैचिंग करेंगे तो स्टेट आपको सर्टिफिकेट, 30,000 पे मेडल, 60,000 की मैचिंग में आपको मेडल के साथ में बोलने का मौका दिया जाएगा, और 1 लाख 20,000 की मैचिंग करके आते हैं आपको बकाया सर प्रॉपर 5-10 मिनट 20 मिनट जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग बोलने का मौका मिलेगा। और यदि कम करते हैं 60,000 का तो 2 मिनट बोलने का मौका तब भी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इस इवेंट में आके अपने आप को हासिल करिए, अपना पोजीशन हासिल करिए, अपना मान सम्मान हासिल करिए स्टेज पे आके। ये हमारी प्री लॉन्चिंग है दोस्त, अभी हमारी लॉन्चिंग होनी बाकी है, जून में जाके हम ऑफिसर दोस्तों कंपनी के लॉन्चिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा बिजनेस प्लान दोस्तों अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया एक बार उनसे जरूर संपर्क करना। आइए, इतनी बड़ी कंपनी तो दोस्तों भारत में शुरू नहीं हुई थी इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, आज दोस्तों करने का मौका मिल रहा है, तो आइए मिलके हम बड़ा करते हैं, जिसमें बड़ा काम मिल जाएंगे दूसरे के साथ में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जितना भी कोई क्वेश्चन आंसर हो तो जूम पे मैं लेना चाहूंगा अभी उसका क्वेश्चन आंसर, मतलब एक बार लाइव में ऑफ करता हूँ सोशल मीडिया का। ये दोस्तों